चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट विथ योर न्यू चैप्टर। चैप्टर का नाम है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। एक्चुअली इंस्टीट्यूट का जो मैट है उसमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सेकेंड चैप्टर का एक पार्ट है। मैंने अपने मैट में क्या किया है, कि आपका जो मेन चैप्टर है ना, उसको बहुत सारा जगह, बहुत सारे चैप्टर्स में, बहुत सारे सब चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे इंस्टीट्यूट का मैट में चैप्टर 2 नाम का एक चैप्टर है जिसका नाम है मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, MBE। ये ICAI मैट का बात हो रहा है, ठीक है। और उसके बहुत सारे टॉपिक्स हैं इंस्टीट्यूट मैट में, उस मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट मेरे यहाँ पे ये सारे सब चैप्टर बन चुके हैं। छोटे छोटे चैप्टर्स आपको मिलेंगे। अगर आप अपना मैट मिल गया हो आपको, तो उसका कंटेंट चेक करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो सब चैप्टर में अभी चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, प्यार से बुलाया करेंगे TQM, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझा दिया। इंस्टीट्यूट में TQM नाम का कोई चैप्टर नहीं है। इंस्टीट्यूट में चैप्टर 2 मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट नाम का चैप्टर है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिसमें मैं आपको अभी TQM पढ़ा रहा हूँ। गॉट इट? ओके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पुनीत कह रहा है कि सर आप गुस्सा लग रहे हो। एक्चुअली गुस्सा थोड़ी लग रहा है यार, सुबह सुबह थोड़ा रिकलेक्ट करना पड़ता है, इससे गुस्सा थोड़ी करके पढ़ाता कोई। थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं, हाँ समझते हैं भूमिका क्या है चैप्टर की। फट से सीधा जंप कर जाएंगे पॉइंट नंबर 1 में, उसमें उतना मज़ा नहीं है। थोड़ा सा और घुसते हैं अंदर, हाँ भूमिका बनाते हैं, बैकग्राउंड और बनाते हैं चैप्टर का, और फिर हम लोग समझेंगे एक्चुअली ये TQM क्या है। आप समझ लेना, आज पढ़ोगे TQM तो वो पहली बार और आखिरी बार होगा, ये पक्का है। आज जब आप TQM पढ़ोगे तो वो पहली बार होगा और आखिरी बार होगा, समझ गए? मतलब आपको दोबारा शायद ही पढ़ना पड़े चैप्टर। पहले ऐसी जनरल बात करते हैं TQM है ना, TQM। तो मुझे ये भी जानना है पहले कि क्वालिटी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में क्वालिटी मतलब आप क्या समझते हैं। क्वालिटी मतलब आप क्या समझते हैं। अगर आपके कुछ इनपुट्स हो तो आप टाइप कर सकते हैं। और ये इंट्रोडक्शन जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इससे अगर आपको कुछ भी लिखना है तो आप कॉपी में लिखें, बुक में जगह नहीं है। इस इंट्रोडक्शन से जुड़ा हुआ कुछ भी रनिंग नोट्स आपको लेना है तो आप कॉपी में लिखें। अमन ने पिछले चैप्टर से लिंक कर लिया, सर क्वालिटी और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एक ही चीज़ है। ओके। आप कोई प्रोडक्ट सर्विस का भी एग्जांपल दे सकते हो, क्वालिटी मतलब क्या।
गुड्स की क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच वी मेजर अ प्रोडक्ट और सर्विस, ओके, अधियरेंस टू सर्टेन स्टैंडर्ड, वेरी नाइस, अधियरेंस टू सर्टेन स्टैंडर्ड, वंदना ने अच्छा आंसर दिया. प्रोडक्ट की क्वालिटी, ओके, क्वालिटी कैन बी अ स्टैंडर्ड और एक्ट एज अ डिस्टिंक्टिव फीचर, ओके, सिद्धि ने बोला, सिद्धि कुमार ने बोला, अच्छा. एफिशिएंसी इन मेकिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट, तो सब कोई प्रोडक्ट के पीछे क्यों पड़े हुए, सर्विस में क्वालिटी नहीं होती क्या? ड्यूरेबली क्वालिटी होता है तो आप थोड़ा सा प्रोडक्ट के पीछे पड़े हुए हो, सर्विसेज के लिए भी क्वालिटी लागू होती है, ग्रेड ऑफ प्रोडक्ट. पुनीत चौहान बोल रहे हैं ₹50 के बनाना सर्विस की भी क्वालिटी होती है. पुनीत का एग्जांपल मुझे समझ ही नहीं आया. कस्टमर सर्विस क्वालिटी, गुडनेस फॉर फिट, मेन पर्पस सॉल्विंग और नॉट, वेरी गुड. प्रथम ने भी अच्छा आंसर दिया, गुडनेस फॉर फिट, वेरी गुड. ऐसे क्या होता है, ये जो एक पढ़ने का तरीका है ना, कि जब आप कोई एक चीज़ को लेके सोचना शुरू करते हैं तो क्या होता है, आपके जो दिमाग के दरवाजे हैं वो खुल चुके हैं. अब यहाँ पे जो डोर लॉक था वो डोर ओपन हो गया, गेट खुल गया, ऐसे सोचने से गेट खुल गया. अब जो मैं डालूँगा वो अंदर घुसेगा, ठीक है. क्वालिटी डिपेंड्स ऑन सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ कस्टमर्स, फॉर सर्विस इट्स ऑन टाइम सर्विस, द क्वालिटी मे बी वॉट सेटिस्फाई द कस्टमर नीड्स, वेरी नाइस. मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको देता हूँ, ठीक है. कभी आपने कोई कंसर्ट अटेंड किया है, कोई कंसर्ट अटेंड किया है, लाइव कंसर्ट, या टीवी पे भी देखा हो लाइव कंसर्ट, जैसे कोई प्ले हो रहा हो, कोई प्ले मतलब समझ रहे, थिएटर वाला, थिएटर वाला ड्रामा, कोई डांस शो हो रहा हो, म्यूजिक शो हो रहा हो, लाइव एकदम, आपने उस शो का ब्यूटी यदि देखा हो तो एक साथ स्टेज पे 500 जन म्यूजिक बजा रहे हैं, कोई सिंगर है जो गाना गा रहा है, डांसर है जो डांस कर रहा है, और विदाउट एनी फ्लॉ. ऐसा थोड़ी होता है कि कोई म्यूजिक बजा रहा है तो यू नो ड्रमर ड्रम बजाते बजाते अचानक कोई ऐसा धूम करके मार दिया जिसका अभी धुन में ज़रूरत ही नहीं था, गिटार वाला कोई ऐसा टैं करके टान दिया जिसका अभी थीम में ज़रूरत नहीं था. ऐसा कभी देखा है? हमने तो नहीं देखा. कोई प्ले होता है, थिएटर होता है, कि अचानक से कोई डायलॉग स्लिप हो गया या भूल गया. कोई बढ़िया वाला अगर कुछ कभी देखा है तो दोज आर फ्लॉलेस. मतलब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि एक टर्म आप सीखें, फ्लॉलेस, जिसको हम बोल सकते हैं ज़ीरो डिफेक्ट्स, जिसको हम बोलना सीखेंगे डूइंग राइट द वेरी फर्स्ट टाइम, डूइंग राइट द वेरी फर्स्ट टाइम.
पहली बार में एकदम सटाक, समझ रहे हैं, पहली बार में एकदम सटाक्ट। मुझे याद आता है एक ऐसा डांस शो मैंने देखा है, कहाँ देखा है वो मैं नहीं बोलूँगा, क्या इंडिया में नहीं देखा, इंडिया के बाहर गए थे घूमने तब देखा है, जगह का नाम नहीं बोलूँगा। डांस शो था, मेल फीमेल मिलके, मतलब जैसे आपको इंडियाज गॉट टैलेंट में नहीं देखते स्टेज पे आके वो लोग परफॉर्म कर रहे, उस तरह का एकदम खतरनाक, वैसा ही लेज़र लाइट पीछे ना बड़ा LED स्क्रीन लगा के, और कम से कम 45 मिनट्स तक चला है, और सब सुपर एनर्जी में और इतने हाईली सजे हुए, एक एक क्या मैं बोलूँ 0.1% भी कोई भी गड़बड़ी नहीं देखा, एकदम 45 मिनट तक आकर के आप देखते रह गए कि वाओ सच अ ब्यूटीफुल स्टेज प्रेजेंटेशन, उसको बोलते हैं जिसमें देख के, मतलब जैसे उनका एक कस्टमर कौन थे, हम लोग थे, हम ऑडियंस उसके कस्टमर थे, तो जिसको देख के ऐसे अवाक हो जाए एकदम, वाओ व्हाट अ शो, उसको बोलते हैं क्वालिटी, तब स्टैंप लगता है क्वालिटी है साला, समझ रहे हैं, फ्लॉलेस जीरो डिफेक्ट, जिसमें मतलब कोई चाहकर भी कोई कमी नहीं निकाल पाए, कि आप जो सोच रहे उससे कई गुना ज़्यादा उन्होंने सोचा है और उसको प्रूव करके दिखा दिया है, समझ में आ रहा है आपको। अब ये एक एग्जांपल हुआ, अपना कलकत्ता में, आप लोग कलकत्ता के बाहर हो तो भी इसके बारे में सुना होगा, हावड़ा ब्रिज क्वालिटी का एक मिसाल है। ऐसे तो हमारा ममता बनर्जी का राज में भी बहुत सारा यहाँ पे फ्लाईओवर्स बना है, बट वो जब तक टूट जाता है, रिपेयर के लिए बंद होता है, बीच में तो 2 फ्लाईओवर गिरा भी है, ठीक है। हावड़ा ब्रिज आज तक गिरा नहीं, इतना साल पहले ब्रिटिश लोग बना के चला गया, फ्लॉलेस, मतलब एक ऐसा चीज़ जो आइकॉन बन जाए। ऑफ कोर्स ताजमहल इज नो स्पेयर, ऐसा चीज़ जो एक आइकॉनिक चीज़ बन जाए, जहाँ पर मिस्टेक्स क्यों होगा, मतलब क्या होता है ना, जैसे आप एक सम करते हैं, फॉर एग्जांपल सम करते हैं, कैजुअल कर रहे होते हैं ना, क्वेश्चन पढ़ा कर रहे, फिर गड़बड़ हो गया, काट दिया, फिर आंसर चेक किया, मैच नहीं किया, फिर काट के ठीक कर लिया। अरे काट के ठीक करने का मतलब क्या है, आर यू सीरियस, क्यों काट के ठीक करेगा, आता नहीं है क्या, नहीं आता तो सीखो पहले फिर करो। हाँ चलो ठीक है, सम करना इज़ अ लर्निंग, नया सम कर रहे थे, लर्निंग था, बट जो चीज़ किया हुआ है उस चीज़ को वापस काट काट के करते हो, मतलब आप सीरियस नहीं हो, पहली बार में काट रहे, ठीक रहे, लर्न कर रहे हैं, क्वालिटी लर्निंग के समय नहीं आता है, लर्निंग में मिस्टेक्स होगा उस समय, ये ज़ीरो डिफेक्ट नहीं होता है। जैसे आप पहली बार कोई चीज़ करोगे तो ज़ीरो डिफेक्ट होगा ज़रूरी नहीं है, ज़ीरो डिफेक्ट लेवल अचीव होने में टाइम लगता है, तो जो शो करने वाले हैं, वो म्यूज़िक शो करने वाले, वो लोग बहुत रिहर्सल करते हैं जिससे कि उनका मेन टाइम पर कोई डिफेक्ट ना हो, ठीक है। पहली बार में तो उनका भी डिफेक्ट्स हुआ ही होगा, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं, जैसे हावड़ा ब्रिज, ये ब्रिज बनाने का काम पहली बार ही होगा और आखिरी बार ही होगा, उसमें ये नहीं बोल सकते अरे पहली बार कर रहे थे ना, प्लीज़ मिस्टेक हो गया, क्या है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, पहली बार कर रहे बोल के मिस्टेक करोगे, ऐसा होता है क्या, कोई फ्लाईओवर बना रहे पहली बार बना रहे बोल के मिस्टेक करोगे, उस मिस्टेक से कितनी जान चली जाएगी, पहली बार मंगलयान उड़ा रहे तो मिस्टेक करोगे, कितना करोड़ों रुपया खर्चा होता है एक यान उड़ाने में, वैल्यू नहीं है क्या। तो पॉइंट इज सम प्रोडक्ट सम सर्विस अलाउ अस
टू लर्न बट सम विल नॉट. सो यू हैव टू इंश्योर दैट क्वालिटी कम्स. इन सम केसेस क्वालिटी हैज़ टू बी देयर फ्रॉम द फर्स्ट प्रोडक्ट यू प्रोड्यूस, बट इन सम केसेस क्वालिटी कैन बी अचीव्ड, जीरो डिफेक्ट कैन बी अचीव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट? बट वॉट एवर बी द केस, योर कस्टमर्स वुड नेवर एक्सेप्ट पुअर क्वालिटी इवन इफ इट्स योर फर्स्ट टाइम. कस्टमर क्यों सहेगा भाई? समझ में आ रहा आपको? क्वालिटी का जो जन्म है ना, वो जापान से हुआ. जापानीज को हम लोग पायनियर बोलेंगे टू ब्रिंग क्वालिटी इनटू प्रोडक्शन. बेसिकली इट वाज समथिंग लाइक इन वॉट एवर दे डू. बट अगर हम प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो दे वेयर द पायनियर्स इन द वर्ल्ड. दैट मीन्स हाउ दे एक्चुअली अचीव दिस, वो कैसे वो कर पाए, यू नो, कैसे को कर पाए. सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज़्यादा डिवास्टेशन कहाँ हुआ? जापान में हुआ. आज भी बोलते हैं वहाँ नागासीमा, नागासाकी, हिरोशिमा जो जगह है, आज भी वहाँ पे लोग एबनॉर्मल पैदा होते हैं. इतना डिवास्टेशन हुआ कि चारों तरफ कुछ बचा ही नहीं था जापान में. ऊपर से यूएस जीत चुका था वॉर, तो यूएस आके जापान के साथ अग्रीमेंट किया कि अब तुम लोग को अगर शांति से रहना है तो एक ट्रीटी साइन होगा कि तुम अपना मिलिट्री डेवलप मत करो, यूएस तुमको सिक्योरिटी देगा. तो उस समय जो जापान के गवर्नमेंट के हेड थे, उन्होंने सोचा ठीक है चलो, तो हमारा मिलिट्री का आदमी क्या करेगा. तो उन्होंने सोचा अपने मिलिट्री के आदमी को चलो बिजनेस में उतारो, इंडस्ट्रियलिस्ट बनाओ. सीनियर लोग सब इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, जूनियर लोग वर्कर बन गए. मिलिट्री का डिसिप्लिन को बिजनेस में लाओ. और जैसे मिलिट्री में हर काम को एकदम सीरियसली किया जाता है, वैसे बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का हर काम को उतना ही सीरियसनेस से करेंगे. मतलब वैसे नहीं कि बस चला लो, चला लो वाला थ्योरी नहीं. जो भी बनाएंगे एकदम परफेक्ट, फर्स्ट टाइम में परफेक्ट बनाना चालू करेंगे. जैसे हम लोग के साथ होता है, यू नो, प्रिंटर जब प्रिंट कर रहा है बुक्स वगैरह, तो प्रिंट करने के बाद है ना, उसको बाइंडिंग करके ना थोड़ा कटिंग करते हैं, थोड़ा शेप देते हैं, ठीक है? अब कटिंग करते हैं तो कोई बुक ज़्यादा कट जाएगा थोड़ा सा, कोई बुक कम कट जाएगा, ठीक है? ऐसा होता है. जब आता है चेक करते होते हैं, अरे ये क्या हो गया सर? अरे सर चला लीजिए, चला लीजिए. अरे ये एटीट्यूड का प्रॉब्लम है. जापानीज में चला लीजिए वाला थ्योरी नहीं. वहाँ पे जो काम करने वाला आदमी है उसमें ये डिसिप्लिन इनकलकेट कर दिया गया कि चलाने वाला कोई थ्योरी नहीं है, उसी में ही ये डिसिप्लिन है कि मुझे जो काम करना है वो परफेक्ट करना है. उसी के अंदर मन में बैठा दिया गया परफेक्ट करना है. तो कहीं ना कहीं उनके एटीट्यूड में, ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना एटीट्यूड होना चाहिए, कल्चर होना चाहिए, उसमें क्वालिटी को इनकलकेट कर दिया. डिसिप्लिन, या आप बोल सकते हैं डिसिप्लिन के कारण क्वालिटी इनकलकेट हो गया. और किस में? मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ जूनियर्स में. एटीट्यूड इन कल्चर ऑफ हूम? ऑफ ऑल द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑल द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑल द पीपल मीन्स ऑल मीन्स, यू नो, सीनियर मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, एज वेल एज ईच एंड एवरी वर्कर. ईच एंड एवरी वर्कर इन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, इन एवरी डिपार्टमेंट, सब जगह सब कोई
क्वालिटी मतलब गलती क्यों, अरे होगा ही क्यों, मैंने प्रिंटर कर दिया। अब आपको जैसे मैट बना के दिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो कौन बनाता है मैट? मैं तो एक पूरा ब्लूप्रिंट बनाता हूँ। मैट कैसे बनता है, हम लोगों का प्रोसेस है कि एक ब्लूप्रिंट हम बनाते हैं। ब्लूप्रिंट मतलब कि मैं एक एक्सेल शीट बनाता हूँ कि मुझे अपने हर चैप्टर में क्या चाहिए, उसका मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ पहले, और फिर हर एक का स्ट्रक्चर का डिटेल्ड डॉक्यूमेंट बनाता हूँ। फिर तो अल्टीमेटली फिर उसको एक डिज़ाइनर को दिया जाता है जो उसको लेआउट में सजाता है। अब डिज़ाइनर को हर 24 घंटे तो बैठ के मैं मॉनिटर नहीं कर सकता कि तुम ये वर्ड को ऐसे डालो, वो वर्ड को वैसे डालो। तो अब डिज़ाइनर क्या होता है, काम करते करते उसको दूसरा दुनिया में जाने का आदत होता है, ठीक है। अब वो काम करते करते कभी कोई चीज़ को रिपीट कर देगा, कभी कोई चीज़ को स्किप कर देगा, कभी कोई चीज़ का स्पेलिंग एरर ही कर देगा, वो ध्यान नहीं देता उतना। वो बोलता है हम डिज़ाइन कर दिया, अब आप प्रूफिंग करो। अगर वो प्रूफिंग खतरनाक होता है, मतलब यू नो आपका ही जो मैट है कम से कम 10 प्रूफिंग हुआ होगा, तो पॉइंट इज ये 10 प्रूफिंग होगा क्यों? तो ये प्रॉब्लम कहाँ पर है, ये कल्चर में प्रॉब्लम है, कल्चर का प्रॉब्लम है। कल्चर मतलब एटीट्यूड का प्रॉब्लम है कि हमको जो काम करना है वो एक बार करना है, फिर सामने वाला से प्रूफिंग करा लेंगे, क्या है वो एक एटीट्यूड है ना, क्या है? ठीक है, चला लेंगे ना, क्या फिर कर लेंगे। और वो 10 प्रूफिंग करते करते जो मैट बनना चाहिए कितना समय में वो बनता है कितना समय में, और फिर प्रूफिंग 10 बार क्या होता है पता है, एक बार एक चीज़ को चेक कर देना तो फिर वो चीज़ में भी वापस मिस्टेक निकल जाता है। कभी अलाइनमेंट गड़बड़ कर देगा, तो कभी बोल्ड नहीं किया, तो कभी मान लो कलर नहीं किया, उसका कलर चेंज करना था, ऐसे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और बड़े दुख के साथ, खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि कल ही आपका सारा बुक जब रिव्यू कर रहे थे, अंदर में ऐसा और 2-4 मिल गया। आप लोगों को कराएंगे, धीरे धीरे करेक्शन करा देंगे, बट करेक्शन करना ही क्यों पड़े यार, करना ही क्यों पड़े? क्या क्वालिटी खाली टॉप मैनेजमेंट का ठेका है? मैं जो अगर टॉप मैनेजमेंट में बैठा हूं तो सिर्फ मेरा ही ठेका है, मैं ही खाली सोचूं क्वालिटी क्वालिटी? क्या क्वालिटी सिर्फ अगेन मैं बोल दूं उसको, एक और बात प्रॉब्लम क्या है, मैं उसको बोल दूं देखो तुमको बेस्ट क्वालिटी लाना पड़ेगा नहीं तो तुम्हारा नौकरी खतरे में, तो क्या क्वालिटी खाली उसका ही ठेका है? इट्स नॉट ओनली वर्कर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट ओनली सीनियर मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ अ कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी बोथ हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट क्वालिटी। तो मेरा कमी कहाँ है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं काम दे के फिर उसके साथ लगे नहीं रहता हूँ। मैं काम देके दूसरा क्लास ले रहा हूँ, दूसरा मैट बना रहा हूँ, दूसरा मैनेजमेंट काम सोच रहा हूँ, फिर जब उसका हो जाता है फिर आता हूँ, बीच में तो नज़र नहीं रख पाता हर समय। तो मेरा भी गलती है, हमारा भी एटीट्यूड वैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी आई फील इज़ अ पार्ट ऑफ एटीट्यूड ऑफ द पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। So if they are serious about their job, then quality has to come. ये चीज जापानीज लोग सबसे पहले बोलते दुनिया में समझे, ठीक है। क्यों समझे? क्योंकि जापानीज लोग देखो क्या करना, हर एक एक्शन का एक रिएक्शन है। जैसे जापानीज हार गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, US प्रेशर दिया कि तुम मिलिट्री नहीं बनाएगा वापस, हम तुमको प्रोटेक्शन के लिए मिलिट्री देगा, तो बोला मिलिट्री का आदमी का क्या करे, तो वो डिसिप्लिन्ड एटीट्यूड वाले आदमी लोग को लगा दिया मैन्युफैक्चरिंग में। कैसे स्टार्ट किया मालूम? वॉर में जब लड़ते थे ना तो बहुत सारा टैंकर्स, बहुत सारा आर्म्स एंड एम्यूनिशन, सब लोहा हुआ से जो बना होता था वो सब टूट टूट के छितरा जाता था, गार्ड मैं फील्ड में ऐसे ही पड़ा होता था। तो जब वॉर ख़त्म हो गया ना तो
वो जो रेमनेंट्स थे पहले उसको कलेक्ट करके गला गला के वापस मेटल बनाना शुरू किया। फिर सोचा कि कैसे उनसे क्या चीज़ बनाया जाए जिससे देश हमारा आगे बढ़े। जापान का फिर एक गवर्नमेंट का उस समय स्ट्रेटेजी था, उसको समझ में आया कि चलो अब जब मिलिट्री पे पैसा खर्चा करना नहीं, इतना रुपया बच रहा है तो रुपया को कहाँ कहाँ यूज़ करें। तो गवर्नमेंट सपोर्ट करने लगा कि चलो हमारा जो देशवासी है उनको पढ़ाते हैं। वर्ल्ड से जितने स्कॉलर्स थे सबको इनवाइट करने लगा कि आइए आप हमारे यहाँ पे रहिए, हम आपके लिए सारा सुविधा देते हैं, आप हमारे यहाँ पे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस डेवलप करिए, करिकुलम बनाइए, सब्जेक्ट्स बनाइए, ऐसा ऐसा चीज़ पढ़ाइए जो ये लोग कभी नहीं पढ़ा और वर्ल्ड में कोई नहीं पढ़ा। पढ़ाने पे बहुत जोर डाल दिया। एज अ कॉन्सिक्वेंस ओवर 20 ईयर्स ऑफ टाइम सब इतने एजुकेटेड हो गए, सब इतने सीरियस हो गए। वो मिलिट्री वाला डिसिप्लिन जो खाली मिलिट्री में रहता था वो बिजनेस में घुसने लग गया। सब उसी तरह से सबका एटीट्यूड डेवलप होने लगा जो भी लोग काम करने लगे। फिर जापान सोचा कि अब हम लोगों का देश का तो काम हो रहा है, हमारे देश में तो लोग खुश हैं, परफेक्ट क्वालिटी आ रहा है, ये क्वालिटी हम लोग लाएँ, इसको वर्ल्ड को प्रूव करना है। तो वही US को वापस अप्रोच किया कि देखो तुम्हारे कहने से हम लोग कोई मिलिट्री नहीं बनाया है, हम लोग को लेकिन धंधा करने के लिए बाहर जाना है, तो कैसे तुम अलाउ करोगे। वहीं क्या हो रहा था, USA सिंस वॉर जीत चुका था ना, तो USA का वॉर जीतने का एक बहुत बड़ा कारण था। वो कारण भी हम लोग ये मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ना उसमें पढ़ेंगे। एक चैप्टर है हम लोग का लीन सिस्टम, उसमें जाके हम आपको बताएंगे। USA का वॉर जीतने का कारण क्या था पता है? USA में हेनरी फोर्ड था। हेनरी फोर्ड, हेनरी फोर्ड अपना गाड़ी बनाने का एक ऐसा सिस्टम बना लिया था, उसको हम लोग नाम दे देते एक बार असेंबली लाइन सिस्टम, जिससे बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ बन सकती थी, बहुत कम समय में बहुत सारी गाड़ियाँ बन सकती थी। और फिर वो सिस्टम USA में हर बिजनेस में रेप्लिकेट होने लगा, जिसमें हर चीज़ USA कम समय में ज़्यादा क्वांटिटी बना लेता था। हर चीज़, मतलब बोलते वॉर में प्लेन तक आयात, टैंकर्स तक आयात, वो हेनरी फोर्ड का गाड़ी बनाने का टेक्निक से यूज़ कर करके आर्म्स एंड एम्यूनिशन बनाने तक जितना भी चीज़ था USA में वो सब वही टेक्निक से बन रहा था। अब आप एक बेसिक कॉमन सेंस लगाओ, कोई चीज़ को कम समय में ज़्यादा बनाने का सोचोगे तो कहीं ना कहीं मात खाओगे, और वो मात कहाँ खाओगे? क्वालिटी पर। बट क्या था कि इतना आर्म्स, इतना एम्यूनिशन, इतना टैंकर्स, इतना वेपन्स, इतना टैंक एयरक्राफ्ट हमारे पास था USA में कि हम किसी पे भी विजय हासिल कर सकते थे। तो USA ने उस चीज़ को अचीव किया। और फिर क्या होता है ना, जब आप जीत गए तो जीत के नशे में मदहोश हो जाते हो और बस अब मज़े। अब जैसे उस समय फिर एक वहाँ पर डिप्रेशन आया था, द ग्रेट अमेरिकन डिप्रेशन बोलते हैं हम लोग उसको। एक डिप्रेशन आया था, डिप्रेशन मतलब इकोनॉमी उनका पूरा गड़बड़ा गया था वॉर के बाद भी। बट वो लोग उसी टेक्निक को, असेंबली लाइन वाले टेक्निक को यूज़ कर करके वापस रिकूप कर गए, वापस रिवाइव करने लगे। प्रोडक्शन को फिर बढ़ाने पे वहाँ का गवर्नमेंट जोड़ दिया तो प्रोडक्शन बढ़ने लगा। बट पॉइंट इज, उनके माइंड में ये कभी नहीं आया कि क्वालिटी से भी प्रोडक्शन होना चाहिए। वो लोग मान लिए कि जो भी प्रोडक्शन होगा उसमें इतना बेकार आएगा ही आएगा। ठीक है, बोलते हैं एक अमेरिकन एक बार जापानीज से ट्रेड किया। कैसे? इधर जापानीज का कहानी सुनो। जापानीज क्या कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट हमारा बैठा हुआ था, सोच रहा था कि हम लोग को तो मिलिट्री पे खर्चा करना नहीं है, हम लोग इंटरनली सब अपना एकेडमिक और क्वालिटी पे काम कर करके गवर्नमेंट को नेट डोमेस्टिकली साउंड कर चुके हैं, तो अब हमें और वर्ल्ड में अपना ख्याति बनाना है, पॉपुलैरिटी बनाना है, तो हमें कोई दूसरा देश में जाके गुड्स बेचना होगा। तो बाकी देश तो उनको नहीं समझ में आया। USA से सिंस ट्रीटी था तो USA को वो लोग
धमकाया या बोला बेसिकली कि देखो आपके कहने से हमने मिलिट्री तो बनाया नहीं हमें, लेकिन आप यूएसए में मौका दो बिजनेस करने का, हमारा कुछ प्रोडक्ट्स है हमने बनाया है वो हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा ट्रेड अग्रीमेंट बनाओ और हमें दूसरे कंट्री में यानी यूएसए में ट्रेड करना अलाउ करो, गाड़ी बेचेंगे हम या फिर मशीनरीज बना के देंगे आपको। तो यूएसए मान गया, चलो ठीक है तुमको अगर लगता है तो यहाँ पे आ जाओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग ऐसे ही तुम्हारा सारा मिलिट्री का भार हमारे ऊपर ही है, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, चलो आ जाओ। तो जब एक बोलते हैं ऐसा एक कहानी आता है कि अमेरिकन और जापानीज टेबल पे बैठ के डील के बारे में बात कर रहे हैं कि अमेरिकन ऑर्डर दे रहा है कि मुझे ये चीज़ इतना पीस चाहिए, 10,000 पीस चाहिए, ठीक है सोचो ऑर्डर दे रहा है, तो जापानीज बोल रहा है ठीक है, तो डील में अमेरिकन पूछ रहा है, ये रियल स्टोरी है, कि कितना समय लगेगा, जापानीज बोल रहा है 10 दिन लगेगा, तो अमेरिकन पूछ रहा है एक्स्ट्रा और कितना मान सकते हैं, तो जापानीज बोल रहा है 10 दिन, 10 माने 10, 10th डे आपके पास होगा, तो अमेरिकन का आँख खुल रहा है 10 दिन में हो जाएगा, 10 बोल रहे तो 10 ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा वो 10,000 पीस का ऑर्डर है तो उसमें गड़बड़ कितना निकलेगा, जैसे वो वहाँ पे अमेरिका में एक नेचुरल ट्रेंड था कि 10,000 है तो 10,000 परफेक्ट नहीं आता, सब कोई मान लिए थे 10,000 है तो चलो कुछ तो गड़बड़ हो ही सकता है, सब मान लिए थे। जैसे हम लोग के यहाँ पे क्या होता है ना, बुक्स आता है प्रिंट होके, 500 किताब आएगा ना तो 10 किताब गड़बड़ निकलेगा, तो हम लोग प्रिंटर को फ़ोन करते हैं, भाई साहब ये क्या 500 किताब में से 10 किताब तो बेकार आ गया, मतलब भैया 500 आएगा तो 10 तो आएगा ही ना सर, ऐसा कैसे, अब उतना कौन देखेगा, 500 में 10 तो खराब आएगा ही ना, अरे भाई ये एटीट्यूड है। बट वहाँ पे क्या है, 10,000 में कितना गड़बड़ आएगा वो पूछ रहा है अमेरिकन, तो जापानीज बोल रहा गड़बड़ क्यों आएगा, उसको जापानीज को अजीब लग रहा है कैसा कैसा सवाल पूछ रहा है, इतना दिन में आएगा तो 10 दिन में ही आएगा, हम 10 दिन बोल रहे हैं तो आपको बात समझ में नहीं आ रहा है, 10,000 में गड़बड़ कितना आएगा पूछने का कोशिश कर, गड़बड़ क्यों आएगा, आप 10,000 का ऑर्डर दे 10,000 मिलेगा सही मिलेगा, तो अमेरिकन शॉक हो रहा है, हाँ क्या बोल रहा है यार, 10 दिन बोल रहे तो 10 दिन और 10,000 बोल रहे तो 10,000, जापानीज बोला हाँ, अमेरिकन डरा के डील साइन कर दिया, और वाकई में 10 दिन में वो 10,000 पीस जब डिलीवर हुआ और परफेक्ट एक भी चीज़ गड़बड़ नहीं हुआ, तो अमेरिकन की आँख खुल गई, बोला अरे बाप रे बाप ये कैसे कर रहे लोग, अब ये लोग में खलबली हो गई कि चलो यार पता लगाते ये जापानीज कर क्या रहे हैं, ये जापानीज कर क्या रहे यार, कैसे कर रहे हैं, अरे इनको ही तो हमने हरा दिया था वॉर में, एटम बम डाल के उड़ा दिया था इनका शहर, इनको तो हम सारा मिलिट्री का सिक्योरिटी देते हैं, ये कर क्या रहा है अंदर में बैठ के। एक अमेरिकन बिजनेसमैन को फील हुआ तो दूसरे को पता चला, जापानीज जहाँ जहाँ फिर डील करते गए ना सबको डिलाइट करते गए, एकदम बोलते ना वो एक वाव, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं, अमेरिकन अपनी मस्ती में चूर थे कि हमारे पास तो ऐसा सिस्टम है जिससे वॉल्यूम बना सकते हैं, मार के वॉल्यूम बनाते थे खाली सस्ता सस्ता, सस्ता सस्ता में क्वालिटी भूल गए थे, जापानीज का प्रोडक्ट्स देख देख के शॉक हो रहे थे एकदम। तो फिर ये बात यूएस के गवर्नमेंट तक पहुंच गई, यूएस के गवर्नमेंट सोचा यार ये तो सही है, ये तो जापानीज का चीज और यहां पे चीज, अब यूएस गवर्नमेंट पीछे पड़ा जापानीज के, भाई करते क्या हो कैसे करते हो, तो बहुत सारी बातें सामने आने लगी, और वो सारे प्रिंसिपल्स को ले लेकर जब हमने जोड़कर एक पढ़ाई बनाई तो बना टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये एक पढ़ाई है जिसका कोर जन्म जापान से हुआ, बट असली असली जो पूरा ढांचा बना वो आपका अमेरिका में यूएसए में बना, और फिर धीरे धीरे वर्ल्ड में बहुत सारा कंट्रीज़ उससे प्रेरित होता गया, इवन इंडिया, ठीक है अभी भी हम लोग प्रेरित ही हो रहे हैं, हम लोग अपना कुछ बहुत सारा नहीं बना पाए,
बट धीरे धीरे ये वर्ल्ड वाइड फैला, समझ में आया। तो यूएस गवर्नमेंट सबसे पहले एक इनिशिएटिव लिया, इनिशिएटिव का नाम था कि जापान में एक बहुत बड़े क्वालिटी स्कॉलर थे, वो एक्चुअली अमेरिका के थे बट जापान ने उनको बहुत रेस्पेक्ट दिया। उनका नाम था मिस्टर एडवर्ड डेमिंग, DEMING, इनको फादर ऑफ क्वालिटी मूवमेंट बुलाया जाता है, मिस्टर एडवर्ड डेमिंग। ठीक है, इनका नाम नहीं लिया तो मतलब क्वालिटी नहीं जाना आपने, क्वालिटी नहीं सीखा, इनका नाम लेना जरूरी। प्रभु है, क्वालिटी के प्रभु। ठीक है, मतलब मत्था टेक के इनके चरणों में आगे बढ़ना चाहिए, मिस्टर डेमिंग, एडवर्ड डेमिंग। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि इनको क्वालिटी यूएस का समझ नहीं आ रहा था, तो ये सोचे चलो जो मेरा कदर करे, जो मेरी आइडियाज़, इन लोग को क्या कीड़ा था पता है, मेरा आइडियाज़ जो है वो जो सुने हम उसके साथ रहेंगे। उनको कमाने का भूख नहीं था बट अपने आइडियाज़ जो इनके थॉट्स हैं उसके ऊपर इनको काम करना था, दूसरों को काम करता देख कर अपने आइडियाज़ को सक्सेसफुल बनाना था और फिर वो उसको डॉक्यूमेंट करते चलते थे। तो अराउंड 1950s की बात है कि एडवर्ड डेमिंग वर्ल्ड टूर पे निकल गए और हमारे इंडिया में उस समय कैलकटा में सारा ऑपरेशंस था, इंडिया का मेजर ऑपरेशंस। ठीक है, तो कैलकटा में भी वो विज़िट किए थे। यस, यहाँ के एक बहुत बड़े जाने माने स्कॉलर है कैलकटा के, आप लोग नाम भी सुने होंगे, प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र महालानोबिस, PC महालानोबिस, कभी पढ़ा होगा बचपन में, महालानोबिस। इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को फाउंड किया था, जो एक जिसका मेन इंस्टीट्यूट कैलकटा में ही है और वर्ल्ड में उसका नाम है, इतना पॉपुलैरिटी ISI का, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, या ISI मतलब वो पाकिस्तान वाला ISI नहीं है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का वर्ल्ड वाइड ख्याति है। और जैसे IIM है ना, IIM का ये बाप है, गॉडफादर आप ऐसा समझ लीजिए, कि इसका कोई डिग्री का बहुत वैल्यू है आप ऐसा समझिए, नासा वासा में हायरिंग होता है। सो इन्होंने उस समय इंडिया में कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं था जो एकेडमिकली लोगों को पढ़ाए, तो प्रफुल्ल चंद्र महालानोबिस उस समय जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलके एक इंस्टीट्यूट की स्थापना कर पाए। फिर धीरे धीरे और आगे इंडिया बढ़ा बट ISI से कहानी शुरू हुई। तो इनको बहुत रहता था कि कैसे इंडिया में एकेडमिकली ग्रोथ आए, स्कॉलर्स आए, तो डेमिंग से इनका परिचय हुआ, तो डेमिंग को इंडिया लाए, जवाहरलाल नेहरू से भी डिस्कस किए कि ऐसे ऐसे मेरे कुछ स्कॉलर्स हैं जो वर्ल्ड टूर पे हैं, जो आना चाहते हैं ऐसे कंट्रीज़ में, एडवाइस देना चाहते हैं और सिखाना चाहते हैं, हम उनको रोक सकते हैं क्या? बट क्या था उस समय, इंडिया इतना वो डिस्टर्ब था कि पोस्ट इंडिपेंडेंस, कि उसको उतना समय नहीं था कि वो इसकी वैल्यू समझे। मतलब पॉइंट ये ना कि अब जैसे आप मान लीजिए कोई ऐसा अंडर डेवलप्ड कोई फैमिली है या पर्सन है जिसका बेसिक्स हिला हुआ है कि रोटी कपड़ा कैसे आएगा, उसको आप क्वालिटी का ज्ञान दोगे तो कहाँ समझेगा, बोले चला लेंगे यार अभी ये सब में कैसे दिमाग लगाए, उतना हमारा उस समय फोकस नहीं था। वहीं एट द सेम टाइम वैसा ही हालत, इंडिया जैसा ही हालत जापान का भी था और कुछ हद तक तो और बुरा था, बिकॉज वहाँ पर तो एटॉमिक रिएक्शंस होते थे बॉम्ब्स के, और आए दिन जापान में वो ऐसा जगह पे है कि वोल्केनो इरप्ट होता है तो अर्थक्वेक आता है, सुनामी आ जाता था। जापान का हालत और बुरा था इंडिया से, बट जापानीज़ गवर्नमेंट का उस समय फोकस ऐसा था कि नहीं रोक लो इनको। तो डेमिंग यहाँ से जापान निकल गए इंडिया से, और वहाँ पे उनको इतना सत्कार दिया, वो इतना काम किया जापान के लिए कि जापानीज़ गवर्नमेंट ने एक सबसे सर्वोच्च अवार्ड घोषित कर दिया डेमिंग के नाम पर, जिसको डेमिंग अवार्ड मिला जापान में। गवर्नमेंट देता है जैसे भारत रत्न इंडिया में देता है ना, अलग अलग पद्म भूषण, वैसे गवर्नमेंट वहाँ पे सर्वोच्च अवार्ड एक कंपनी को देता है, डेमिंग्स अवार्ड,
और वो डेमिंग्स अवार्ड जिस कंपनी को जापान में मिल गया, मतलब वो फाड़ के क्वालिटी पे काम करता है, उसका गुडविल एकदम चकचका जाता है और आज भी देता है, उस समय से लेकर आज भी अगर आप जस्ट गूगल करोगे आपको मिल जाएगा, आज भी वो जापान अपने कंपनीज़ को, गवर्नमेंट अपनी कंपनीज़ को देता है। तो देखो कहाँ का आदमी कहाँ जाके रिस्पेक्ट पाया और उसका रिस्पेक्ट आज भी आगे बढ़ाया जाता है। फिर वो डेमिंग निकल के जापान से वापस अमेरिका भी आ गए, अलग अलग लोगों को और सिखाए, बहुत सारे और आर्टिकल्स लिखे। डेमिंग वहाँ नहीं रुके, वो अलग बात है। तो जापान को देखकर, डेमिंग अवार्ड जापान को देखकर, ठीक है, जापान को देखकर फिर यूएस में जब ये सब बातें उनको पता चला ना कि यहाँ पे जापानीज कर कैसे रहे हैं, इतना डिसिप्लिन, इतना सीरियस, ये क्वालिटी, ये परफेक्शन, क्या प्रोडक्ट बना के ला रहे हैं, बाप रे बाप। तो फिर यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट भी देखा देखी एक अवार्ड घोषित किया, मैलकॉम बाल्ड्रिज नेशनल अवार्ड। बाल्ड्रिज वहाँ पे एक जगह है, ठीक है, नाम ऐसा क्यों पड़ा ये मैं नहीं जानता हूँ, बट ये अवार्ड यूएसए में उन्होंने घोषित किया और बोला कि जिसको ये अवार्ड मिला मतलब वो कंपनी का क्वालिटी ज़बरदस्त है। और इसको पाने के लिए क्राइटेरियाज ले डाउन किया गवर्नमेंट ने, और वो क्राइटेरियाज बहुत सोच समझ के गवर्नमेंट ने बनाया, क्राइटेरियाज वेयर लेड बाय द गवर्नमेंट, और वो क्राइटेरिया से ही फिर धीरे धीरे आगे जाके आईएसओ का स्थापना हुआ। आईएसओ का नाम सुना होगा आपने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, आईएसओ, ओके। इसका बहुत सारा वेरिएशंस है, अलग अलग तरह का चीज के ऊपर आप जब काम करते हो तो आईएसओ का सर्टिफिकेशन भी आपको लेना पड़ता है जो एनुअल क्वालिटी चेक के ऊपर काम करता है, बट एक वन टाइम क्वालिटी अवार्ड है तो बाल्ड्रिज नेशनल अवार्ड है। इसमें बहुत सारे फिर इन्होंने और भी सेगमेंट्स क्राइटेरियाज बना दिए, ठीक है, कि किस किस सेक्टर को क्या क्या चीज़ पे दिया जा सके, जैसे हेल्थ केयर को देंगे, लॉजिस्टिक्स को देंगे, आईटी को देंगे, सबका अलग अलग बना दिया। तो यूएसए भी फिर जाकर सीरियस हुआ और क्या करना शुरू किया, स्कॉलर्स को रोकना शुरू किया, बैठो, यूएस स्टार्टेड देन इन्वेस्टिंग ऑन एकेडमिक्स रिसर्च कि स्कॉलर्स को रोको, क्योंकि जब जब दुनिया में त्राही आई है ना, त्राही, तब तब उस त्राही का सोल्यूशन कौन दिया पता है, एकेडमिशियंस, एकेडमिशियंस ने प्रोवाइड किया है। और एकेडमिशियंस कौन थे, वो एक तरह से आप समझ लीजिए गुरु संत महात्मा जैसे इंडिया में होते हैं वैसे ही थे। यहाँ पे जो गुरुज होते हैं उनका मोटिव अलग होता है, ठीक है, बट उन जो रियल गुरुज होते हैं ना, उनका जो मोटिव होता है वो ये होता है कि उनके कुछ आइडियाज़ होते हैं, वो ये सोचते हैं कि मेरा आइडिया काम कर रहा है कि नहीं, क्या तुम मेरे पास कैपेबिलिटी है तो मैं खुद ही अपने ऊपर अप्लाई करके उससे पैसे कमा लूँ। कुछ का मोटिव था कि पैसे नहीं कमाएंगे बट मेरा आइडिया चलना चाहिए तो मैं अपना आइडियाज़ बांटता रहूँगा, भले ही उससे कुछ फीस मिल गया तो मेरा रोजी रोटी चल गया अलग बात है, बट मैं आइडियाज़ को बांटता रहूँगा, जरूरत पड़े तो इंस्टीट्यूट खोलूँगा और बहुत लोगों को सिखाऊँगा, सिर्फ सिखाऊँगा। वो रियल गुरु होता है। तो मेरे हिसाब से महालानोबिस भी एक गुरु थे, डेमिंग भी गुरु थे, इस तरह से और भी दो गुरु हैं जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है और वहाँ से हम लोग का क्वालिटी मैनेजमेंट का पढ़ाई चालू होगा, फिलिप क्रॉसबी एंड जोसेफ ज्यूरन। आप चाहो तो जैसे कभी इंटरेस्ट आ रहा हो मेरी बातों से, आपको मज़ा आ रहा हो, सुनने का मन कर रहा हो, और तो इन लोगों के बारे में आप गूगल करके विकिपीडिया में, यूट्यूब में वीडियोज़ बहुत सारे हैं देख सकते हो, एंड कई सारे और भी आपको इनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त हो सकती है कि ये क्या थे, कैसे करते थे, महालानोबिस के बारे में, डेमिंग के बारे में, तो थोड़ा सा आपको और आइडिया हो जाएगा कि या एक्चुअली कौन जाके दुनिया का प्रॉब्लम सॉल्व करता था। तो इन लोगों को वो नहीं था बहुत पैसे कमाने, हमको इनको हमेशा ये था कि हमारा जो सोच है, आइडियाज़ है, वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो आइडियाज़ उनको इंट्यूटिवली क्लिक करता था कि नहीं, ये प्रॉब्लम, जैसे आपके सामने कोई प्रॉब्लम ला के रख दिया जाए और आप खुद सॉल्व करोगे तो किसी से बिना पूछे आप अपना सोच के वो प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकालें, तो वैसे वो आइडिया हुआ। तो वो सोचते थे कि कहीं पे भी इम्प्रूवमेंट लाना है तो ये तरीका फॉलो करेंगे तो इम्प्रूवमेंट आएगा, और वो रिजिड थे अपने आइडियाज़ के प्रति, वो हर एक जगह अप्लाई कर करके देखते थे और फिर सक्सेसफुल भी होता था, सक्सेसफुल भी होता था तो
वो फिर उसको सिखाने पे ज़्यादा जोर देने लगे। सब शुरुआत में ये लोग भी सब नौकरियां करते थे कहीं ना कहीं, फिर धीरे धीरे वो लोग ने अपनी नौकरी छोड़कर अपने आइडियाज़ को दुनिया को बताना शुरू किया और बिना लालच के आइडिया शेयर किया। इसलिए किताबों में उनका नाम छप चुका है और वो इतने बड़े महारथी बन चुके हैं कि इनका जो शब्द है, इनका जो आइडियाज़ है, उससे दुनिया चल रही है, उससे बड़ी बड़ी कंपनियां कितना ही फ़ायदा कर रही है। आई होप यू गॉट द होल आइडिया ऑफ व्हाट इज़ क्वालिटी। द बेसिक थीम इज़ ज़ीरो डिफेक्ट। What is the reference of the term total in the quality? What is the reference of the term total in the quality? Total मतलब क्या? Total मतलब मैंने ऊपर में एक बात बता दी थी आपको, सब कोई, हर कोई, ठीक है, हर कोई, सब कोई, हिंदी में लिखा हूँ, हर कोई, सब कोई, सब मिलकर। क्वालिटी सिर्फ अपना काम नहीं है, एक जन का काम नहीं है, नॉट जस्ट द वर्कर, इट्स नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्कर, एवरी वन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एवरी वन मतलब मैंने बोला ना, वर्कर्स इन ईच डिपार्टमेंट, टॉप मैनेजमेंट। पुराना जमाना क्या था पता है, वर्ड टोटल क्यों डाला मैं आपको वो समझाता हूँ। पुराना जमाना क्या था, जैसे अमेरिका का कल्चर जो आज से मैं ये बोलूँ 1970s में था ना, हम लोग का आज वो इंडिया में है, ठीक है, हमारा इंडिया मेरे हिसाब से 30-40 साल पीछे है अमेरिका से, ठीक है, अमेरिका से और जापान से और पीछे चल रहे हैं हम लोग, ऐसा ही समझ लीजिए, इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड, कल्चर, एवरीथिंग, ये सच्चाई है, इसको स्वीकारना पड़ेगा। अब बहुत सारे इसमें देखिए, कोई भी चीज़ पर डिबेट तो हो ही सकता है, मेरी बात को एकदम फेस वैल्यू पर भी मत लीजिए, ठीक है, बहुत सारे जगह हम लोग भी आगे निकल गए, वो अलग बात है, संस्कृति की हम बात नहीं कर रहे, हम एटीट्यूड टुवर्ड्स क्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो क्या है कि पुराना जमाना क्या था, ये अमेरिका का हालत था जो जापान में शुरू से नहीं था, कि क्या होता है ना, जैसे हम लोग वॉल्यूम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वॉल्यूम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वॉल्यूम बिक भी रहा है, बिक क्यों रहा है, क्योंकि हमारा जैसा कोई और बना ही नहीं पा रहा है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है ना, कि जिसमें हम कैपिटल इतना लगा दिए कि हमारा जैसा कोई कॉम्पिटिटर खड़ा नहीं हो पा रहा है, और फिर हम इतना वॉल्यूम बना रहे हैं, इस प्राइस पे दे रहे हैं कि लोग पागल की तरह मेरे ही प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो भैया थोड़ा तो रुआ भी आ ही जाएगा ना, अपन कुछ हैं। तो टॉप मैनेजमेंट धीरे धीरे क्या होने लगा, हर कंपनी का ही देखा गया, बहुत एरोगेंट हो गया, मतलब उसका जो माथा है ना टॉप मैनेजमेंट का, वो ऐसा हो गया कि हम ही हमें, मेरे को कोई कुछ बोल नहीं सकता, इवन मेरा कंपनी में भी कोई नीचे का आदमी ऊपर आके कुछ नहीं बोल सकता, हम जो बोले वो सही है, व्हाट आई हैव सेड यू हैव टू लिसन, यू कांट से एनीथिंग टू मी। ये एटीट्यूड प्रॉब्लम, ट्रेडिशनल कल्चर, कि दे नेवर यूज टू लिसन टू पीपल, इवन देयर कस्टमर्स, सुनते नहीं थे पहले, ठीक है। अगर कोई कंपनी में बाय चांस कोई वर्कर आके, या वर्क होता है ना, सुपरवाइज़र आके जो चेकिंग कर रहा था, बोला सर ये चीज़ ऐसे गड़बड़ आ रहा है, तो गड़बड़ आ रहा है तो उसके ऊपर ध्यान देने के वजह वो लोग बोलते थे चला दो ना यार, छोड़ो ना, सॉर्ट इट आउट, प्लीज़ सॉर्ट इट आउट, व्हाई यू आर कमिंग टू मी, What do I do with this small petty stuffs? मैं बड़ा बड़ा डिसीजन लूँ कि ये सब यार चला दो ना, देखो वो चला दो वाला अप्रोच था। जापान में सब मिलिट्री वाले लोग, वो वर्कर गड़बड़ कर दे तो जाके वर्कर का हाथ काट दे, तुम गड़बड़ कैसे किया, वहाँ पे ये अप्रोच, एटीट्यूड का बात है, सीरियसली अपने जॉब को लेने का बात है। बट जापान में ऐसा था तो यहाँ पर एटीट्यूड ही नहीं है। तो जब वो चेंज समझ में आया ना, जापानीज प्रोडक्ट यूएस में आने लगा, तो इनको शौक लगा इनको, तो अब टॉप मैनेजमेंट खलबला आ रहा है कि अरे मेरा तो मार्केट चला जाएगा, अरे मेरा तो मार्केट चला जाएगा, ठीक है। तो टॉप मैनेजमेंट का क्या हुआ, इंटरेस्टिंग बात सुनो, अब ये टॉप मैनेजमेंट क्या करने लगता है, ये टॉप मैनेजमेंट वाला
सीधा एक कोई स्लोगन बनाता है, ठीक है, कोई टारगेट बनाता है और जाके वर्कर्स पे इम्पोज कर देता है, अगर एक भी गड़बड़ आया तो देख लेना नौकरी से निकाल दिया जाओगे, ठीक है, 1 लाख में मैक्सिमम एक ही पीस गड़बड़ आ सकता है, टारगेट बना दिया, अचानक से टारगेट बना दिया। एकदम लोअर लेवल पे तो जाता नहीं था, टॉप मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बुलाता है, अगर देखो तुम लोग कोऑर्डिनेशन करते हो, सब बजट वजट मैनेज करते हो, अब से देख लेना अगर डिफेक्ट आया तो तुम लोगों की नौकरी भी खतरे में है, प्रेशर डाल दिया अचानक से, बिकॉज वी हैव टू कम्पीट टू दिस जैपनीज प्रोडक्ट्स एंड दे आर एबल टू अचीव दिस क्वालिटी, तो तुम लोग को ला के दिखाना होगा, ठीक है, पोस्टर्स बना बना के चिपका दिया, क्वालिटी नहीं तो नौकरी नहीं, ऐसा कुछ भी, डिफेक्ट आया तो समझो तुम गए, ऐसा कुछ भी बना दिया प्रेशर डालने के लिए, करते हैं ना बहुत बार नारेबाजी करना करते हैं, तो जाके जब जरूरत पड़े भाषण दे दो खाली, ऐसे कोई क्वालिटी आएगा क्या भाषण देने से? तो फिर जब स्कॉलर्स लोग वापस अमेरिका लौटे और कुछ कुछ बड़ी कंपनीज के साथ काम करे और देखे यार यहाँ तो हालत ही गजब है, ये लोग क्वालिटी ऐसे लाने का सोच रहा है, ऐसे कोई क्वालिटी आएगा? तो वहाँ पे लोग भी माथा पकड़ लिया कि इनको कैसे सिखाएं, सबसे पहले तो टॉप मैनेजमेंट को सिखाना पड़ेगा कि भाई जी क्वालिटी इज़ नॉट डेलीगेटेबल जॉब, इट इज़ नॉट डेलीगेटेबल। सेकेंडली यू हैव टू स्टार्ट लिसनिंग, डोंट ओनली स्पीक। व्हाट इज दिस एग्जॉर्टेशन स्लोगन्स एवरीवेयर, व्हाई यू आर प्रेशराइजिंग, एग्जॉर्टेशन माने प्रेशर देना, व्हाई यू आर प्रेशराइजिंग योर middle and lower level people for quality, if you are not serious about quality, if you are not providing resources for the quality, if you are not looking after the quality, is it their job completely? It cannot be. So that's how this word total has come. Everyone has to be involved. So now their eyes are opening. Okay, achha, aisa baat hai, humne to socha nahi, humko to laga hum jo kar rahe ho, wo theek kar rahe. To bhai sahab Philip Crosby aaye, theek hai, ऐसे ही मैं ये जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको, फिलिप क्रॉसबी का बात एक्चुअली कि सिलेबस में नहीं है। फिलिप क्रॉसबी कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों में सक्सेसफुली क्वालिटी के हेड बने हुए थे और उसमें अपने सारे टेक्टिक्स को अप्लाई करके वो देख चुके थे, ठीक है। तो फिलिप क्रॉसबी ने 4 एब्सोल्यूट्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट बताया, 4 एब्सोल्यूट्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। क्या क्या बताया कि सबसे पहले भाई क्वालिटी का डेफिनेशन समझ ले, डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी होता क्या है वो तो समझ लो, डेफिनेशन मींस डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी। तो बोले अच्छा बताइए, आप ही बताइए क्या है। तो बोले क्वालिटी मतलब होता है कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट, ये क्रॉसबी बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा सर, ये हम लिखे क्या, मैं आपको बोल चुका हूँ ऑलरेडी, आप ये सारा रनिंग नोट्स में लिख सकते हो। देखिए ये सबसे खाली सिर्फ माइंड तैयार हो रहा है, एग्ज़ाम का सटीक चीज़ अभी मैं स्टार्ट नहीं किया हूँ, आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग योर माइंड टू Start thinking over how quality thing has come. I have given you a story about it so that you remember the quality thing forever. Conformance to requirement. Okay. Definition of quality is what? Conformance to requirements. Whose requirement? Kiska requirement? Always remember customer's requirement. Or you can say customer's specific requirement. हो सकता है कि उसने बोला था, या फिर होता है परसीव्ड रिक्वायरमेंट। परसीव्ड मतलब होता है कि आपने उसका प्रोडक्ट का कोई प्रचार किया था, उससे उसको जो समझ आया वो समझ ही आपका रिक्वायरमेंट हो गया और आपको इंश्योर करना है कि वो कंफर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, जो कस्टमर चाह रहा है वो आपको उसको देना है।
अब प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि प्रोडक्ट का फीचर्स हो जाता है, सर्विस में कस्टमर का एक्सपीरियंस हो जाता है जब वो सर्विस ले रहा होता है। जैसे रेस्टोरेंट में जाता है तो एक्सपीरियंस लेता है, वाह क्या केयर किया, क्या हॉस्पिटैलिटी, क्या कायदा से खिलाया, क्या मज़ा आ गया, क्या टेस्टी फूड, क्या रिस्पेक्ट किया, इतना इज्जत तो यार घर में नहीं मिलता, रेस्टोरेंट में इतना इज्जत किया, जी सर बोल के बात किया, मज़ा आ गया। वैसे एक्सपीरियंस, जैसे वही शो देखने गए तो कंसर्ट में कि वाह वैसा तो शो कभी देखा ही नहीं, फाइबर ग्लास्टेड राइट, तो वो एक्सपीरियंस सर्विस में सोचना पड़ता है कि कस्टमर क्या उम्मीद कर रहा होगा, उसको हमें फुलफ़िल करना है। कस्टमर कभी उम्मीद नहीं करता है कि एक शो देखते समय कि सामने वाला आर्टिस्ट मिस्टेक्स करे, कुछ लड़खड़ा जाए, बोलने में गड़बड़ कर दे, गला उसका खर जाए, ये म्यूजिशियन गड़बड़ कर दे, तो मिस्टेक अलाउड नहीं है। ठीक है, सेकंड नंबर क्रॉसबी ने कहा कि आपके यहाँ पे एक सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम मतलब क्या चीज़ का सिस्टम? सिस्टम मतलब प्रिवेंटिव सिस्टम, प्रिवेंशन की गड़बड़ ना हो, ऑफ एरर्स और डिफेक्ट्स। ऐसा सिस्टम बनाओ कि गड़बड़ आए ही नहीं। ठीक है, तीसरी बात क्रॉसबी ने कही कि आपके यहाँ पे एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होना चाहिए। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मतलब आपको कुछ अपना बॉटम लाइन बनाना पड़ेगा कि ये चीज़ के नीचे तो जा ही नहीं सकता है। जैसे मे बी डूइंग राइट द फर्स्ट टाइम में एकदम परफेक्ट बनना चाहिए, भले ही थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लो, बट सॉफ्टवेयर बना रहे हो एक बार में, इसमें बहुत सारा बात होता है, हर डिपेंड्स ऑन द रोल्स। ठीक है, अब जैसे मान लो रिसेप्शनिस्ट है, रिसेप्शनिस्ट के लिए भी आप एक स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो कि फ़ोन 3 रिंग के अंदर अंदर उठाना है, चौथा रिंग में फ़ोन उठे ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कस्टमर सर्विस में होता है ना, ईमेल आया तो 24 घंटे में वो प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, 48 घंटा नहीं होना चाहिए, 25 घंटा नहीं होना चाहिए। तो वो स्टैंडर्ड्स आपको डिफाइन करने पड़ते हैं, डिपेंड्स ऑन द रोल्स और फंक्शंस, कि हर काम का क्या क्या हम लोगों को बेयर मिनिमम जो फॉलो करना है वो ये है ही, इससे नीचे नहीं जा सकते, इससे गड़बड़ नहीं कर सकते। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड आपको सेट करना पड़ेगा। और लास्टली क्वालिटी को लेकर क्या है ना, लोग हमेशा ये सोचते हैं कि यार क्वालिटी इज़ अ सब्जेक्टिव थिंग, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, तो हम लोग कितना क्वालिटी डालेंगे। ठीक है, तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट आया मेजरेबलनेस का, कि आपको ऐसा स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए जिससे कि आप मेजर भी कर सको, मे बी नंबर ऑफ़ डिफेक्ट्स। जैसे मेजर हो गया ना नंबर ऑफ़ डिफेक्ट्स, तो डिफेक्ट ज़्यादा आ रहा है मतलब क्वालिटी नहीं है, डिफेक्ट्स कम आ रहा है मतलब क्वालिटी है। अब वो आपको मेजरमेंट अपना सोचना पड़ेगा, मे बी वो कॉस्ट के एंगल से हो सकता है, कॉस्ट ऑफ फेलियर्स, कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है मतलब क्वालिटी नहीं है, कॉस्ट कम आ रहा है मतलब क्वालिटी हो रहा है। सो यू हैव टू फाइंड आउट सम मेजर्स विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वेदर योर वर्कर्स आर एबल टू अचीव योर क्वालिटी और नॉट। दिस इज़ नॉट गोइंग टू कम इन एग्जाम, बट स्टिल आई एम गिविंग यू दिस फॉर द पर्पज ऑफ नॉलेज, दैट क्रॉसबी हैज गिवन दिस आउटलाइन, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि क्वालिटी क्वालिटेटिव होता है, उसको मेजर नहीं करेंगे तो क्वालिटी सच में आएगा कि नहीं आएगा पता ही नहीं चलेगा। तो क्रॉसबी वॉज समवन हु टॉट पीपल ऑफ USA दैट क्वालिटी कैन बी मेजर्ड, क्वालिटी कैन बी अचीव्ड। नाउ पॉइंट इज द एंटायर गेम इज ऑल अबाउट हाउ टू एक्चुअली नाउ अचीव क्वालिटी, हाउ टू एक्चुअली अचीव क्वालिटी। अब ये सब तो सोचने की बात थी, सब तो खाली मेंटल एक्टिविटीज़ था, तो अल्टीमेटली क्वालिटी अचीव कैसे होगा वो टोटल का मतलब से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छा बात क्रॉसबी कहते हैं कि पहला बात कि सबसे पहले आपको क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा सारा रिक्वायरमेंट्स, क्लियरली डिफाइन द रिक्वायरमेंट्स, क्या चाहिए उसको डिफाइन करो, उसको ले डाउन करो, बहुत क्लियरली लिखो,
ये नहीं होगा, ये होगा, ऐसे ऐसे करना है, नहीं ये लिखोगे तो क्वालिटी कभी नहीं आएगा। डोंट डेलीगेट, डोंट डेलीगेट, आपको क्या क्या करना है आप ये समझिए। सेकंड नंबर, फिर सबका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करो। अभी क्या होता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, आप लोग अपने ऑफिस में भी ये फील किए होंगे कि आपको एक काम के लिए बिठाया गया है, ठीक है, एक काम के लिए आपको बिठाया गया है, और फिर क्लाइंट आता है तो कुछ पूछता है, तो आपको उस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है, तो आपका सीनियर देख लेता है, बोलता है अरे तुम उसको जवाब नहीं दिया ये वाला, बोले सर हमको पता ही नहीं है, हमको जवाब देना है, बोले तुमको मालूम नहीं था क्या, बोले सर हमको मालूम था, तो फिर तुम क्यों नहीं बोला, सर हमको पता ही नहीं कि हमको बोलना है। अरे यही होता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ठीक से डिफाइन नहीं करते हो ना, तो ये सब प्रॉब्लम्स होता है। आदमी को आता हुआ भी होता है तो वो करता नहीं। ऑफ द स्टाफ्स, सबका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। एक कहानी आती है, क्रॉसबी बोलते थे अपने किसी स्पीच में कि सेल्स मैनेजर है एक, ठीक है, सेल्स पर्सन है, सूट और टाई का दुकान में काम करता है, तो ये सेल्स मैनेजर के पास एक कस्टमर आया, बोला टाई दिखाओ, तो कस्टमर को टाई दिखाया, तो कस्टमर टाई पहन के देख रहा है, उसको समझ आया नहीं आया, कस्टमर चला गया बिना टाई लिए। जब चला गया तो सेल्समैन को मालिक बुला रहा है, इधर आओ, कैसे तुम टाई दिखा रहे थे, बोला सर टाई बुला तो टाई दिखा रहे थे और क्या दिखाएंगे, बोला भाई जो टाई लेने आता है उसको दूसरा चीज़ भी बेचा जा सकता है, क्रॉस सेलिंग भी किया जा सकता है। अच्छा, बोला वो क्या होता है, बोला जब वो टाई पहन के देख रहा था तो तुम बोलता उसको कि सर ये टाई है ना वो ग्रे सूट पे बहुत अच्छा लगेगा, बोलेगा तो पहना के दिखाएं आपको, बोला हाँ ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं, ये भी बोला जा सकता था कि क्या पता उसको सूट में इंटरेस्ट आ जाता, वो थोड़ा देर और रुकता शॉप में, सूट भी ट्राई करके देखता, बोला ये तो गुड आइडिया बट आई डिडंट न्यू कि मेरे को ये बोलना है। तो फिर जो शॉप का ओनर है वो सेल्समैन को गली आ रहा है, क्या कुछ नहीं कर सकता है। तो इसमें दोष किसका है, सेल्समैन का है कि टॉप मैनेजमेंट का है? तो इसमें प्रॉब्लम सिस्टम का है कि आपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ठीक से बताया नहीं, उसको पहले ट्रेनिंग ही नहीं दिया कि कैसे बात करना, और फिर आप बोलते हो कि तुम ये भी बात नहीं किया, अरे उसको क्या मालूम क्या करना नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारा बिजनेस ऐसा होता है जिसमें पता है कस्टमर्स टॉप मैनेजमेंट से कभी मिलता ही नहीं, जैसे मान लीजिए हमारे बिजनेस में तो आप, मैं ही टॉप मैनेजमेंट हूँ तो मेरे से मिल रहे हो तो मेरे से सारी बातचीत भी हो जाती है क्लास के बहाने चाहे जैसा भी हो। एक बैंक के बारे में सोचो, आप क्या बैंक में HDFC बैंक में जाते हो तो उसका जो CEO आदित्य पुरी उससे कभी मिले हो? सब तो लोअर लेवल स्टाफ से ही कस्टमर सारा दिन डील कर रहा है, तो मतलब सोचो उस बैंक में कितना जोर से ये 1 और 2 पे काम होता है, कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतना क्लियरली स्टाफ्स को समझाया जाता है, इतना ट्रेनिंग दिया जाता है, क्योंकि पूरा बिजनेस कस्टमर से जुड़ा हुआ, और कस्टमर कभी भी सीनियर लेवल से मिलता नहीं है। वहाँ पे जो रोजमर्रे का काम है वो सारा लोअर लेवल, लोएस्ट लेवल पीपल संभालते हैं, ऐसे ही बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल में भी होता है। तो इसका मतलब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टाफ्स, उनको क्या करना है, ठीक है, नहीं करना है, ये कौन बताएगा, डूज एंड डोंट्स कौन बताएगा? थर्ड नंबर, उनको उनका काम करने के लिए प्रोवाइड करो सारा टूल्स, प्रोवाइड टूल्स टू डू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूँ आपको कि टोटल का मतलब क्या है, कि ये कौन करेगा, ये सब टॉप मैनेजमेंट करना पड़ेगा, वो लोग भी नीचे में काम कर रहे हैं, बट आपको उसके पहले उनको टूल्स देना पड़ेगा।
अब मान लीजिए कोई मैं ऐसा वर्कर हूँ आपकी फैक्ट्री में, बहुत एंथुजियास्टिक हूँ, कर दूंगा एकदम, और बहुत क्वालिटी सेंट्रिक हूँ, बहुत सीरियस हूँ, बहुत फोकस्ड हूँ। अब अचानक से आप आके बोलते हो चलो ये 2000 किलो का वजन है उठा के वहाँ से वहाँ रखो, अरे बाप रे बाप, 2000 किलो का आदमी से कैसे उठेगा? चाहे मैं जितना ही एंथुजियास्टिक हूँ, चाहे जितना ही मोटिवेटेड हूँ, मेरे से तो होगा नहीं। तो आपको टूल्स देना पड़ेगा ना, कुछ जगह टूल्स का काम है, कुछ जगह टेक्निक बताना पड़ेगा। जैसे वो सेल्समैन का बात मैंने आपको बताया, वे ऑफ वर्किंग, वे ऑफ टॉकिंग। अब एक बैंक है, उसमें स्टाफ को चेक कैसे जमा लेना है वही नहीं पता, अकाउंट एंट्री कैसे करना है वही नहीं पता, तो वे ऑफ वर्किंग, वे ऑफ टॉकिंग डिफाइन करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, दिस इज़ द वे। फोर्थ नंबर, खाली ये करने से आप जाओ क्वालिटी लाओ, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद हर समय आपको एनकरेज करते रहना पड़ेगा उनको कि देखो काम अच्छे से करते रहो, मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, एनकरेज ऑल द टाइम। ऐसा थोड़ी कि यार बस बोल दिया और करो, क्योंकि आदमी डिमोटिवेट हो ही सकता है। मैंने आपको क्या बोला, मेरा जो डिज़ाइनर है उसका प्रॉब्लम है, मैं दोष डिज़ाइनर को नहीं दे सकता, दोष मेरे सिस्टम में है। क्यों? क्योंकि मैं डिफाइन कर देता हूँ रिक्वायरमेंट्स, ब्लूप्रिंट बना देता हूँ, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी समझा देता हूँ, सारा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर दे दिया, टूल्स भी दे दिया, वे ऑफ वर्किंग भी दे दिया, इनकरेज नहीं करता। वो सुस्त हो जाता है करते करते, कोई भी 10 घंटा ना कंप्यूटर में खटर खटर करेगा तो बीच बीच में इनकरेज करना मतलब पीरियोडिक चेक्स भी लगता है, वो पीरियोडिक चेक्स या इंटरवल में चेक नहीं लगाते हम, यही हमारा तकलीफ हो जाता है। ये एटीट्यूड नहीं होने से क्वालिटी नहीं आता है। डूइंग थिंग्स राइट द वेरी फर्स्ट टाइम इज रियली अ रिक्वायरमेंट विच हैज़ टू बी फुलफिल्ड अलॉन्ग विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट। पुराने ज़माने में टॉप लेवल मैनेजमेंट सुनता ही नहीं था, बोलता था अपने वर्कर्स को जाओ ना यार, कस्टमर को समझा दो ना यार, चला दो ना, देखो ना कैसे सलटे, ये एटीट्यूड थी। जो जो कंपनी वो एटीट्यूड से चली वो सब खतरे में पड़ी। जापनीज उनको कंपटीशन देते गए, हर कंपनी हर चीज़ वहाँ पे बना के वर्ल्ड वाइड भेजने लगा। धीरे धीरे USA में जब ट्रेड होने लगा तो जापनीज प्रोडक्ट दूसरे कंट्रीज में भी एक्सेप्ट होने लगा। वो लोग कल्चर को चेंज कर लिया अपना। जापान में आज भी ट्रेन लेट नहीं होता है, अगर 1-2 सेकंड लेट होगा ना तो जापान में ट्रेन का जो स्टाफ है वो सबको एक कार्ड प्रोवाइड करता है कि आज 10 सेकंड एक बेंचमार्क है, थ्रेशोल्ड है, 10 सेकंड, 10 सेकंड लेट हो गया तो एक कार्ड ले जाओ अपने ऑफिस में, कोई बोले 10 सेकंड लेट क्यों आया तो बोलना कि ट्रेन लेट हो गया, मैं जिम्मेदार नहीं था। जो हमारे दोस्त हैं जो जापान गए हैं कभी, वो बताते हैं कि आपको पता है अगर मेट्रो इतना बजे लिखा है तो इतना बजे ही आएगा, वो डिविएट नहीं होगा। ट्रेन पता है इतना बजे तो इतना बजे ही आएगा, वो डिविएट नहीं होता है, नो डिविएशन कंट्री। बट बाकी इंडिया में क्या कल्चर है छोड़ना, चला लेंगे देखा जाएगा, थोड़ा सुन लेंगे समझा देंगे, भैया देखिए ना क्या क्या करें। मेरा आदमी लोग कभी कभी एक स्टूडेंट को 2 कुरियर कर देगा, ठीक है, एक स्टूडेंट को 2 कुरियर कर दिया तो मैं बोले अरे भाई एक आदमी को 2 बार कुरियर कर दिया, सर सर मंगवा लेंगे वापस, इतना इतना सारा ऑर्डर्स प्रोसेस होता है सर, हो जाएगा, हो जाता है सर। तो क्या प्रॉब्लम कहाँ पे पता है? उन बेचारों का प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम मेरा है। क्यों? क्योंकि मैं हर समय वो एनकरेज नहीं कर पाता, हर समय चेक नहीं लगा पाता। तो सर इसके लिए तो फिर आदमी लगेगा, आदमी तो लगेगा, तो आदमी लगेगा तो कॉस्ट लगेगा, कॉस्ट तो लगेगा, बस मैं वो कॉस्ट अवॉइड कर रहा हूँ। क्या तो मैं वो काम खुद करूँ या तो किसी और से करवाऊँ, मैं वो कॉस्ट अवॉइड कर रहा हूँ। इसलिए कई बार बात आ जाती है कि क्वालिटी इज़ कॉस्टली, और इसलिए हम लोग इंडियन मेंटेलिटी से पीछे हटते रहते हैं। बट फिलिप क्रॉस्बी का कहना था, क्रॉस्बी के साथ एक और दोस्त थे उनके जोसेफ जूरन, इन दोनों ने कुछ कॉन्सेप्ट डिवाइस किए थे जो कंबाइंडली एक चीज़ कंक्लूड करता है कि क्वालिटी इज़ फ्री, क्वालिटी कभी भी कॉस्टली नहीं होता है, क्वालिटी फ्री होता है। फ्री मतलब क्वालिटी के कारण जो आप कॉस्ट इनकर करोगे
क्वालिटी के कारण जो आप कॉस्ट इनकर करोगे, एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या चीज़ में लगेगा, ये इसके लिए प्लानिंग के लिए आदमी लगेगा, टूल्स देने के लिए रिसोर्स खर्चा लगेगा, इनक्रेज करने के लिए टॉप मैनेजमेंट का कोई एक पर्सन हर समय लगा रहेगा, या कोई ऐसा सुपरवाइज़र जिसको टॉप मैनेजमेंट लेवल से अपॉइंट करके, मतलब उसको बोलेंगे तुम टॉप लेवल का ही आदमी हो गया, वैसे ही समझ लो, जैसे कोई सुपरवाइज़र ही था, उसको बोले तुम टॉप लेवल के तरह आ गया, सबको बता दिया कि ये टॉप लेवल का आदमी है, ये जो बोलेगा इसका बात मानना पड़ेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा करके, तो वो सब का जो कॉस्ट मेरा एक्स्ट्रा लगेगा वो सबसे कहीं ना कहीं मेरे डिफेक्ट्स कम हो जाएगा, तो डिफेक्ट्स कम होगा तो उसका सेविंग्स होगा, तो ये कॉस्ट और ये सेविंग्स आपस में कॉम्पेंसेट करेंगे और क्वालिटी फ्री हो जाता है, और ऊपर से गुडविल बढ़ता है वो अलग, बट ये प्रोसेस रंग दिखाने में समय लेता है, इट टेक्स सम टाइम, ये प्रोसेस रंग दिखाने में समय लेता है, टेक्स सम टाइम, लॉन्ग टर्म में होता है, शॉर्ट टर्म में नहीं होता। बात सर बहुत अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है ना, तो सर ऐसा करते हैं आज से अपने बिजनेस में हम लोग भी क्वालिटी मैनेजमेंट चालू कर देते हैं। ज्ञान जो मिला मज़ा आ गया, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, भाई जी इतो सस्तो को नहीं, ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी का पाठ नहीं पढ़ाया जा सकता या इमीडिएटली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, इसके भी कुछ कायदे हैं, कुछ सिस्टम है, कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी है जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इम्प्लीमेंट कर सकेगा कि नहीं, बोलते ना औकात है कि नहीं, देखना पड़ता है, हर कोई को क्वालिटी का पाठ पढ़ा दोगे समझ नहीं आएगा, समझो आप अभी तो कोरोना काल में हम लोग ज़्यादा बाहर वार नहीं खाते हैं, ठीक है, आप कहीं डोसा स्टॉल था रास्ता का, स्ट्रीट फूड, वहाँ जाके डोसा खा रहे थे, आपके माथा में टिक घूमने लगा, उसका वहाँ पे कोई मालिक बैठा हुआ था जो ये सब कर रहा था जो मैं आपको बता रहा था, तो आपको लगा चल इसको ज्ञान पिलाते हैं, टोटल क्वालिटी समझाते हैं, तो वो थोड़ी कोई आपका बात मान लेगा, भले ही आप सही बोल रहे हो, आप जो बोल रहे हो उससे उसका बहुत फ़ायदा भी है, उसको थोड़ी समझ में आएगा। तो हम लोग बोलते हैं कि भाई किसी को भी TQM का ज्ञान पिलाने के पहले, बिफोर इम्प्लीमेंटिंग TQM, ठीक है, बिफोर इम्प्लीमेंटिंग या फिर सजेस्टिंग ऑल्सो TQM, आपको कुछ बेसिक चीज़ का ध्यान देना चाहिए। बिफोर इम्प्लीमेंटिंग TQM, पहला चीज भैया उसका करंट रियलिटी क्या है वो देखो तो सही, कितना डिग्री ऑफ डिफेक्ट्स कर रहा है वो तो समझो। सेकंड नंबर चेक करो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा है, उसमें कौन से लोग हैं, क्या उसमें सिस्टम चलता है, कैसे वो लोग टाइम देते हैं, कैसे रूटीन चेक्स लगाते हैं, कैसे डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। फिर ये भी देखो कि मैनेजरियल स्किल्स है कि नहीं, मैनेजरियल स्किल्स मतलब भाई लोगों को डराना नहीं, लोगों से काम करवाना, फिर वो काम नहीं कर पाए तो उनको हेल्प करना, वो स्किल्स है कि नहीं। फिर एम्प्लॉई मोरल कैसा है, एम्प्लॉई लोग का अगर मोटिवेशन ही नहीं है ना, अरे क्या होगा ये सब करके, इतना क्वालिटी के लिए सीरियस होना पड़ता है ना, डिसिप्लिन्ड होना पड़ता है, अगर उनका ही वो मोटिवेशन नहीं है तो कैसे कर लोगे। फिर एक एबिलिटी टू इन्वेस्ट, भैया पैसा लगेगा शुरुआत में, इमीडिएट रिजल्ट नहीं है कि इधर किया और इधर रिजल्ट आया, एबिलिटी टू इन्वेस्ट है कि नहीं, मनी कैपिटल चाहिए ना, टूल्स लाना होगा, एक्स्ट्रा लोग लग सकते हैं, पेशेंस चाहिए कि आप वेट कर सकते हो वो इन्वेस्ट करके, तो फिर TQM का स्वाद आपको मिलेगा, ठीक है। अब बात सही तो है, चलो राजी भी हो गए करने के लिए, लेकिन मन में क्या रहे, जो चीज़ करेंगे उसमें अल्टीमेटली खर्चा क्या लग जाएगा, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ डूइंग दिस। तो मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, जूरन और क्रॉसबी यही कहते थे कि क्वालिटी इज़ फ्री, आप चिंता ना करो, बट इट विल बिकम फ्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एक कॉन्सेप्ट उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए निकाला, बेसिकली इसमें जोसेफ जूरन का ज़्यादा
योगदान है, बट क्रॉसबी ज्यूरन दोनों मिलके ही बोले जाते हैं कि ये कॉन्सेप्ट को निकाले। अब ये मुझे नहीं पता कि दोनों ने साथ में मिलके जॉइंट स्टडी किया था क्या, ये मुझे नहीं पता, बट जो दोनों का ही नाम रखा जाता है क्रॉसबी एंड ज्यूरन मिलकर एक कॉन्सेप्ट निकाले कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बोलकर। ठीक है, वो मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँगा जो आपका एग्ज़ाम का पार्ट है। एग्ज़ाम का पार्ट अब यहाँ से शुरू हो रहा है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी से लेकर कि चलो समझाते हैं आपको कि क्वालिटी का कॉस्ट एक्चुअली क्या है, मतलब ये जो पैसे लगेंगे उसके वो फ्री कैसे होगा, क्या क्वालिटी का सच में खर्चा बढ़ जाता है क्या। बट मैं ऐसा समझता हूँ, देखो इंडियन मेंटेलिटी, बैक टू इंडियन मेंटेलिटी, अमेरिकन और जापानीज ऐसे सोचे तो अच्छा लगता है बट इमीडिएटली तो पॉसिबल नहीं है ना। तो बैक टू इंडियन मेंटेलिटी, अपना बनिया मेंटेलिटी, मैं तो बोलता हूँ क्वालिटी माने जितना चीनी डालो उतना मीठा। ठीक है, मतलब आप जितना खर्चा करोगे उतना क्वालिटी बढ़ेगा, ये सत्य है। ठीक है, अब आप जैसे स्टूडेंट ही हो हमारे, तो आपके लिए जितना खर्चा करे आपको अच्छा लगेगा, है कि नहीं। आपको मान लीजिए कॉपीज़ भी दे दें, आपको पेन भी दे दें, तो आपको एक स्टूडेंट का मैसेज आया मेरे पास लिंक्डइन में, लिखता है कि सर योर क्लासेस आर गुड बट आई नीड अ लैपटॉप, इफ़ आई बाय क्लासेस फ्रॉम यू विल यू गिव मी अ लैपटॉप। एक्सपेक्टेशन तो है, देना शुरू करो, कोई सिस्टम बनाओ, रिक्वायरमेंट्स आ रहा है तो, जो जितना चीनी डालो उतना मीठा है और क्या, कितना कितना करोगे, क्वेश्चन इज समवेयर, कहीं तो स्टॉप करना पड़ेगा ना। अल्टीमेटली इन माय सेंस एबिलिटी टू पे को भी ध्यान रखना पड़ता है। आप अति क्वालिटी डाल देंगे और फिर उसका कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाएंगे तो सस्टेन कैसे करेंगे। मेरा क्वेश्चन सारा घूम के आ जाता है सस्टेनेबिलिटी पर, तो कितना हम चीनी डालें कितना मीठा करें, तो सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब क्या है कि भाई साहब थोड़ा सर्वे करें कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, जितना वो कर रहे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा, जितना वो कर रहे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा, और एक बार करने से नहीं होगा, बार बार हमेशा जितना वो कर रहे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा, यही कॉन्सेप्ट है कि कितना क्वालिटी मेरे को डालना है, जितना जितना मेरा कॉम्पिटिटर्स कर रहा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा। अब कॉम्पिटिटर्स अगर डिफेक्ट फ्री दे रहा है तो आपको भी देना पड़ेगा। कॉम्पिटिटर्स के यहाँ 100 में 5 डिफेक्ट होता है, तो आपके यहाँ भी 100 में 5 हो सकता है, आप हो सके तो 4 कर लो। तो आपको एक थ्रेशोल्ड डिफाइन करना पड़ता है कि हम, जरूरी नहीं है एक दिन में 100 में 0 डिफेक्ट निकालेंगे, आज हमारे यहाँ पे 100 में 8 डिफेक्ट आता है, बट ओवरनाइट आप प्रेशर डालोगे ये सब प्रोसेस पे, वर्कर्स के पीछे डंडा करके खड़े हो जाओगे कि 0 करो, 100 का 0 करो नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। अरे इतना प्रेशर दोगे तो कैसे चलेगा आप, और आपका भी खर्चा बढ़ जाएगा अचानक। तो हम लोग एक थ्रेशोल्ड बना लेते हैं कि यार चल 100 में 4 तेरा डिफेक्ट आता है तब तक ठीक है। अब 4 आप कैसे सोचा कि थ्रेशोल्ड 4 होना चाहिए, आपने कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस किया, पता चला वहाँ 5 होता है तो अपना 4 हो तो भी ठीक है, चल पूरे सिनेरियो में 5 भी हो तो भी ठीक है, अपन सब बराबर हैं, सस्टेन करना है ना तो अपन बराबर हैं। तो वो थ्रेशोल्ड सोच लो और उस थ्रेशोल्ड तक एक बार चला के देखो, फिर धीरे धीरे हौले हौले कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते करते 4 को कभी 3 करो, 3 को कभी 2 करो, 2 को कभी 1 करो, एक साथ क्यों 0 पे जाना चाहते। तो क्वालिटी इज ऑल्सो अबाउट कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, कीप अ थ्रेशोल्ड, उस लिमिट तक आओ और फिर धीरे 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 उसको बेस्ट पे ले जाओ। ये भी तो कर सकते हो, एक दिन में ओवरनाइट पूरा चेंज करने का जरूरत क्या है। यू गॉट द पॉइंट। सो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम तैयार हो गए हैं एक्चुअली अपना आगे का पढ़ाई करने के लिए। अब सिक्वेंशली हमें क्या क्या पढ़ना है हम उस पर फोकस करें। आई होप द फंडा इज क्लियर। ठीक है, आपको समझ में आया हो तो आप थोड़ा सा चैट में मुझे बता दें कि सर समझ आ गया, कि मज़ा आ गया, कि सर नींद आ गई, कि सर प्यास लग गई, कि सर भूख लग गई, क्या आपके अंदर में तरंग इमोशंस जाग रहे हैं, थोड़ा सा मुझे बता दें।
ठीक है, अब हम लोग एग्ज़ाम का काम चालू करेंगे एज पर आईसीआई मैट। जो भी मैंने भूमिका आपको बताई वो सारी की सारी आपको चैप्टर समझने में अब बहुत आसान कर देगा, केस स्टडीज़ एनालिसिस करने में हेल्प करेगा, और एट द सेम टाइम कमेंट्स वगैरह लिखने में भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अब ये सब कहानियाँ थोड़ा सा जाके किसी और को बता दो तो माथा में आपका और क्रिस्टल क्लियर सेट हो जाता है। किसको बताएं सर, अब ऐसे तो कोई अब आसपास है नहीं, कोरोना काल चल रहा है तो क्या करें। तो सबसे बढ़िया मम्मी पापा भाई बहन जो बगल में बैठे उनको बैठ के थोड़ा सा समझाओ। आज पता है जैसे कहानी सुनाते हो ना, अभी ये सब बात भी हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो एक बार सिलीगुड़ी में एक स्टूडेंट था, वो अपना घर में 6 लोग था, उसका मामा भी आया हुआ था, उनको भी बिठा के लिविंग रूम में माइक जैसे हाथ में पकड़ लिया पेन और समझा रहा है, और उसका वो फोटो खींच के मेरे को भेजा कि सर आपने बोला देखिए मैं सबको समझा रहा था। बोला तो सब समझ रहे थे कि नहीं? बोला हाँ सर तीनों, मेरी मम्मी का भी बिज़नेस है, पापा का अलग बिज़नेस है और मामा का भी बिज़नेस है, सबको अच्छा लग रहा था बात। ठीक है, तो एक कहानी जैसे सुना देने से मेमोरी में याद रह जाता है, और दूसरा क्या अगर इंटरेस्ट आ रहा हो, जैसे होता है ना मैं बोला हल्का सा भी तरंग आ रहा हो, थोड़ा स्पेयर टाइम, अभी ये सब इंस्टाग्राम में खाली फ़ोटो किसी का देखने में वेस्ट करते हो, उससे अच्छा थोड़ा अपना नॉलेज एनहेंस करो। ये सब गुरु संत का नाम जो मैंने आपको बताया, क्रॉसबी, ज्यूरन, जैपनीज, मालकॉम बाल्ड्रिज, डेमिंग अवार्ड, ये सब के बारे में गूगल कर करके थोड़ा पढ़ लो ना, थोड़ा कोई यूट्यूब में कोई वीडियो मिले तो सुन लो ना दो चार, हो सकता है मेरी जो बात है वो आपको एज इट इज़ मिल जाए। जोसेफ ज्यूरन का एक ख़तरनाक इंटरव्यू है यूट्यूब में, क्रॉसबी का है, स्टीव जॉब्स से पूछा जा रहा है, एप्पल में जोसेफ ज्यूरन बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ एप्पल प्रोडक्ट्स। तो स्टीव जॉब्स का एक इंटरव्यू है जब स्टीव जॉब्स बहुत यंग थे, और उनसे पूछा जा रहा था कि जोसेफ ज्यूरन से आप जब मिले तो आपकी ज़िंदगी में क्या आपको अलग लगा, और क्या आपका कंपनी में उनके कारण अलग हुआ, ऐसा दिया हुआ है। अब पॉइंट इज, हर चीज़ एग्ज़ाम एंगल से सोचोगे तो रेलिवेंट नहीं है, तो अगर टाइम बचाना है तो मत माथा लगाओ, दूसरा सब्जेक्ट है तो मत माथा लगाओ, बट फ्री हो एक ही सब्जेक्ट चल रहा है अभी तो ये कर सकते हो, अगर मल्टीपल सब्जेक्ट्स है तो इतना लोड मत लेना, जब टाइम मिले तो करना। चलिए, वेरी नाइस, वेरी नाइस। साव्या कह रही हैं कि सर मैं तो पिक्चराइज कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई डॉक्यूमेंट्री चल रहा है मेरे माइंड में। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, सो गाइस, ये मैं इसलिए भी समझाता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा ऐसा बन के आ जाता है जो आप डायरेक्टली नहीं पढ़े होते हो। ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट था हमारा, वो बोले सर आपका जो क्लास का इंट्रोडक्शन होता है ना उसको मैं बहुत अच्छे से सुनता था, आपके एक एक टर्मिनोलॉजीज जो आप बताते थे उसको बहुत अच्छे से सुनता था, तो मुझे थ्योरी कभी याद करने का प्रेशर फील नहीं हुआ, और एग्ज़ाम में जब वही चीज़ आने लगा क्वेश्चन बन के तो मेरे को लगा कि यार मेरे को तो याद ही नहीं करना, मैं तो वही सब वर्ड्स यूज़ कर पा रहा था। जैसे अब टोटल का मतलब क्या है, टोटल मतलब क्या है बताओ तो आपको क्या समझ में आया, मुझे टाइप करके थोड़ा बताओ, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में वर्ड टोटल क्यों है, वर्ड टोटल क्यों है ये बताओ तो थोड़ा सा क्या समझ में आया, अब आपका भी थोड़ा एनालिसिस कर लिया जाए, टोटल माने क्या समझ में आया आपको। जल्दी से टाइप करिए, अरुण गुप्ता आपका आंसर रॉन्ग है, टोटल मतलब फ्लॉलेस नहीं है, क्वालिटी मतलब फ्लॉलेस है।
साव्या आपका भी आंसर होंगे, नो स्कोप ऑफ डिफेक्ट मतलब क्वालिटी, क्वालिटी माने नो डिफेक्ट्स। प्रीति कोयरे ने सही जवाब दिया, टोटल मतलब सब कोई, एवरी वन इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्लॉइज, टॉप मैनेजमेंट। वंदना ने सही दिया, टोटल मीन्स ईच एंड एवरी वन एंड ईच एंड एवरी आस्पेक्ट, परफेक्ट आंसर ऋत्विक ने दिया। रुबिन ने भी करेक्ट दिया, नहीं ओवरऑल इम्प्रूवमेंट बागमी, ये क्या ना, देखो चॉइस ऑफ वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट मार्क्स इन एग्जाम, ठीक है। एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू कम एंड अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स इनसाइड, राइट, ही वॉन्ट्स टू नो द करेक्ट वर्ड। तो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट वर्ड सही नहीं है। एवरीबडी इन ऑर्गेनाइजेशन शुड कॉन्ट्रीब्यूट, क्वालिटी इज नॉट जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्कर्स और मिडल लेवल मैनेजर्स, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी वन इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर कोई सब कोई, ये नारा सही है, एकदम सही, हर कोई सब कोई, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। अब आपका अटेंशन था, मुझे समझ में आया। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आप बुक में ये सब की वर्ड्स लिख लो, टोटल मतलब एवरी वन, एवरी वन मतलब ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। All areas of organization, all workers, तब total है, all aspects concerning customer satisfaction, quality मतलब conformance to requirements, टू कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, जो मैंने बोला था कि स्पेसिफिक है या फिर परसीव्ड है। ठीक है, मैनेजमेंट मतलब थोड़ा सा सीरियस अप्रोच, ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल बोल सकते हैं आप, यही ना मैनेजमेंट साइंस का मतलब तो यही है। परफेक्ट अप्रोच चाहिए, ऐसे कैजुअली क्वालिटी अचीव करने जाओगे तो नहीं आएगा। ठीक है, पहले मैं ये सोचता था कि ये सब मैं बताता हूँ इसका रेलिवेंसी क्या है। अभी क्या है, बच्चों का इंटरव्यू लेता हूँ ना, एग्ज़ाम जब पास कर जाते हैं तो पता चलता है कि इससे भी उनको बहुत चीज़ याद रह जाता है। ये सर जो एक एक वर्ड का मीनिंग बताते हैं, मैं सोचता रहता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वो वैल्यू एडिंग है कि नॉन वैल्यू एडिंग है, बट एक एक वर्ड का मीनिंग से भी बच्चों को बहुत याद होता है, उसके माथा में बैठ जाता है कि हम कुछ पढ़ा है। अच्छा, TQM क्या है, अगर कभी डेफिनेशन लिखना पड़े तो, अब ये सब मैं देखिए कटौती नहीं कर सकते यहाँ पे, जहाँ पर मेरा जो भी प्रिंट किया हुआ है वो सब आपको कीवर्ड्स एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, अपना समझ से सब कुछ 100% नहीं लिख सकते। ठीक है, जहाँ पे नॉलेज है, ज्ञान है, वहाँ पर एक बल्ब आइकन बना हुआ आएगा,
कि वो सर ने अपने तरफ से दिया है, और जहाँ नॉलेज का बल्ब आइकन नहीं है मतलब वो चीज़ आपको एज इट इज़ पढ़ना पड़ेगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, वो आपके लिए रेलिवेंट है, मतलब ये सब पूरा चीज़ अब एज इट इज़ पढ़ना पड़ेगा। तो TQM क्या है? TQM इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑन क्वालिटी इन ऑल को मैंने बोल्ड किया है, ऑल रिसोर्सेज इन रिलेशनशिप्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको और इलेबोरेट करना है तो ये सब आप टर्म्स यूज़ कर सकते हो, ये इलेबोरेशन करने में हेल्प करेगा। बट यहाँ पे जो है ये एकदम बेयर मिनिमम कीवर्ड है कि TQM के बारे में बोलना है तो अवेयरनेस वर्ड के यूज़ करना है, कि क्वालिटी के बारे में सबको जागरूक करना, सबको ऑल रिसोर्सेज मतलब वही ऑल एस्पेक्ट्स हो गया, और रिलेशनशिप्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपका जितना भी टॉप टू बॉटम आदमी लोग है सब में आपको क्वालिटी लाना है। ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट का 2 बेसिक प्रिंसिपल्स है, गेटिंग थिंग्स राइट फर्स्ट टाइम, दैट वाज द कोर प्रिंसिपल विच जैपनीज डिराइव्ड, एंड सेकंड इज कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, जो मैंने आपको लास्ट में समझाया कि बहुत बार क्वालिटी कॉस्टली हो सकता है इनिशियल डेज में, इसलिए शुरुआत में बेस्ट का मनोकामना नहीं करना चाहिए। हो सकता है गेटिंग थिंग्स राइट फर्स्ट टाइम में आपको बहुत कॉस्ट लग जाएगा, फर्स्ट टाइम वाला वैसा सिनेरियो में वो ओवरनाइट तो आप बेस्ट नहीं हो सकते ना, तो आपको एक टॉलरेबल लेवल तक थ्रेशोल्ड बना के चलना चाहिए, फिर धीरे धीरे इम्प्रूव करने का कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TQM क्या करना चाहिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में करेंट रियलिटी चेक करना चाहिए, अगर उसका फंड बेस अनस्टेबल है तो मत जाओ, सक नहीं पाएगा क्वालिटी। मैंने एक बहुत अच्छा कमेंट एक बार कपिल शर्मा का ही इंटरव्यू में सुना। ठीक है, कपिल शर्मा को मैं शुरू से जब वो स्टार प्लस में लाफ्टर चैलेंज में आता था, बाल उड़े हुए थे, टकला था आधा, पेट निकला हुआ होता था, तब से फॉलो कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कॉमेडी शोज ही मैं ज़्यादातर टीवी में देखता हूँ। ठीक है, तो मैं शुरू से देख रहा था उसका, जब से वो ऑडिशन दे रहा था तब से मुझे याद है उसके शोज़ वगैरह मैं देख रहा हूँ, फिर कॉमेडी सर्कस, फिर ये कपिल शर्मा शो, और इतना फेम, इतना रुपया। तो उससे इंटरव्यू में पूछा गया कि अब तो आपके पास सब कुछ है, अभी इतना क्यों करते हैं? मतलब देखिए, जब पहले कर रहे थे, स्टार प्लस में आए थे, लाफ्टर चैलेंज शो था, तो उस समय तो कुछ था ही नहीं जीवन में, बेसिक्स ही नहीं थे ना, गवर्नमेंट के क्वार्टर में रहते थे, और क्या करेंगे, उसके भी भाई बहन है, कैसे उनका आगे बढ़ेगा परिवार, पिताजी कम उम्र में छोड़ के चले गए थे, मतलब बेसिक्स ही हिलावा था, कैसे बस वो जो रुपए मिले थे जब मैं ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जीता था, तो वो रुपए से मेरा कुछ हुआ नहीं, मतलब वो रुपए बस ऐसे ही चले गए, हाँ थोड़ा नाम हुआ क्योंकि उतना उधार उधार थे, कुछ खर्चे थे उसमें चले गए। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया तो मुझे लगा कि मैं कुछ और अच्छा करूँ और अच्छा करूँ, तो वो पैसों से मैं बेसिकली अपने परिवार के दुख दर्द को या अपने बेसिक जो प्रॉब्लम्स थे उसको दूर करते रहता था। अब क्या है कि आज हाँ मेरा अपना कुछ है, कि मेरे पास अपने होम टाउन में अपना एक अलग घर है, और मेरे बॉम्बे में अपना घर है, गाड़ी है, मेरी कुछ सेविंग्स हो चुकी हैं जो मुझे अब चिंतित नहीं करती है, तो अब मैं जो काम करता हूँ बल्कि पहले जिस लगन से करता था उससे दुगने या चौगुने लगन से करता हूँ, ये तो गजब हो गया, इतना कुछ अचीव कर लिया उसके बाद भी काम करने का लगन इतना ज़्यादा, क्यों करता हूँ? पहले रोजी रोटी के लिए काम करता था, अब क्वालिटी के लिए काम करता हूं, समझे? बातों में बहुत फर्क है। जब आपका बेसिक्स हिला हुआ है ना, क्वालिटी कहां से लाओगे?
बेसिक चल जाए वही ठीक है, समझ गए? तो जहाँ क्वालिटी अभी भी गड़बड़ चल रहा है, मतलब बेसिक हिला हुआ है, अब कहीं बेसिक का भरमार है और फिर भी क्वालिटी नहीं ला रहे, तो अब एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, जैसे यूएसए में एटीट्यूड का प्रॉब्लम। ठीक है, हमारे यहाँ पर बेसिक्स का थोड़ा प्रॉब्लम है, बेसिक्स एज इन कि हम इतना स्टाफ अफोर्ड नहीं कर सकते ना कि सब क्वालिटी रिव्यू करते रहे, और मेरे पास टाइम लिमिटेड होता है क्योंकि मुझे आधा से ज़्यादा समय पढ़ाना होता है, तो मैं वहाँ फंस जाता हूँ। बेसिक्स हिला हुआ है, उतना स्टाफ नहीं लगा सकते कि परफेक्ट क्वालिटी लगाएं, इसलिए हम लोग फंस जाते हैं। जापानीज कल्चर एक अलग ही कल्चर है, बोलते हैं हम लोग कुछ नहीं है तो भी बेस्ट क्वालिटी पे काम करेंगे, क्योंकि वो शुरुआत से वैसे डिसिप्लिन उनके बचपन से डाल दिया गया, उन लोग के खून में इनकलकेट कर दिया गया। ठीक है, तो वो शुरू से वो पंक्चुअल रहना उनको सिखाया गया, शुरू से सीरियसली काम को करना उनको सिखाया गया, तो उनका वो कल्चर ही अलग तरह से निकल के आता है। बट अगर जहाँ पे अभी नहीं है और वहाँ पे क्वालिटी मैनेजमेंट लगाना है तो फंड तो लगेगा। तो अब जैसे होता है ना, पहले क्या था, हम लोग कोई भी कपड़ा पहन के मान लीजिए पढ़ा लेते थे, ठीक है, अब सोचते हैं कि कौन सा ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा उसको पहन के पढ़ाओ। तो होता है ना कि क्वालिटी तो अगेन मैंने आपको क्या बोला, हर एस्पेक्ट पे आपको लाना पड़ता है, तो आप एक साथ तो सारा एस्पेक्ट भी नहीं चुन सकते, तो कुछ कुछ चीज़ें आप चुनते हो कि पहले इस पे करते हैं, फिर इस पे करते हैं, फिर इस पे करते हैं, फिर इस पे करते हैं, तो इट्स अ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट थिंग, बट इम्प्रूवमेंट विल रिक्वायर फंड। सो इफ फंड इज़ अनस्टेबल, प्लीज़ डू नॉट रिकमेंड टू एनी वन TQM। वीक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सही नहीं है, उसका कोई ऐसा आदमी नहीं है, तो फिर आपको क्वालिटी का काम नहीं करना चाहिए। मैनेजरियल स्किल्स नहीं है, मैनेजरियल स्किल्स मतलब प्लानिंग एग्जीक्यूशन कंट्रोल करना नहीं आता है। एम्प्लॉई मोरल नहीं है, एम्प्लॉई को समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा ये सब करके, उसको ये सब प्रेशर लग रहा है कि पीछे पड़ जा रहा है मेरे, उसको ये नहीं फील हो रहा कि हम लोगों का कैसे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इससे कंपनी ग्रो करेगा, वो नहीं सोच रहा है। मतलब जो भी CEOs वर्ल्ड वाइड क्वालिटी को लेके सीरियस रहे, जैसे स्टीव जॉब्स इज़ वन एग्जांपल, वो लोग मिरेकल कर लगे, मिरेकल। ठीक है, एक कंपनी है रबर मेड, ठीक है, रबर मेड करके कंपनी है, इंटरनेशनल ब्रांड है, इसका CEO के ऊपर एक स्टोरी आता है कि पता है जैसे इसका वो बिकता था, कूड़ा उठाने वाला होता है ना, हाथ में लेके कूड़ा उठाते हैं ना अपन ऐसा, तो वो एक जगह एक बार गाड़ी लेके सिग्नल पे खड़ा हुआ था, वो सिग्नल के जस्ट बगल में ही एक रेस्टोरेंट था, उसमें एक क्लीनर था, वो गेट के बाहर क्लीन कर रहा था, और जब इससे कूड़ा उठा रहा है तो बड़बड़ा रहा था बार बार, कुछ माने गाली दे रहा था एक तरह से, प्रोडक्ट को कोस रहा था, क्या बनाया लोग। उसको देखते ही CEO को गाड़ी में बैठे बैठे समझ में आ गया कि ये तो यार मेरा ही कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है। तो होता है ना, पुराने ज़माने के CEO सुनते नहीं थे, ये नए ज़माने का CEO था, सुनता था, तो ये उतर गया गाड़ी से और जाके बोला क्या समस्या हो रहा है तुमको, तुम इसको देख के क्यों बड़बड़ा रहे हो? बोला ये देखो कैसा बनाया, कूड़ा उठता ही नहीं है, ये मोटा कर दिया, ये वाला उठता ही नहीं है, कितना बार करना पड़ता है तब जाके उठता है। तो उसको CEO बोला थैंक यू, तुरंत गाड़ी घुमा के पहुंच गया फैक्ट्री में और बोला कि ये प्रोडक्ट में गड़बड़ है, फ्लॉ है, उठता नहीं है, इसको थोड़ा सा चेक करो, इसका एज को स्मूथ करो, और वर्जन लॉन्च कर दिया नया। ये होता है एक्टिव लिसनर। एक्टिव लिसनर कौन होता है? जो कोई उसको चला के नहीं भी बोल रहा है तो भी वो सुन ले। ये अप्रोच होना चाहिए टॉप मैनेजमेंट में, और एट द सेम टाइम एम्प्लॉई जब आके ये चीज़ एम्प्लॉई को जाके जब वो बोला तो एम्प्लॉई में मोराल होना चाहिए, वाओ चलो इस पर भी काम करते हैं, नहीं तो ये वो सोचेगा कि यार ये तो पीछे ही पड़ गया, इसको तो हर चीज़ में कुछ करनी है, तो फिर ये सक्सेसफुल नहीं होगा। क्रिटिसिज्म्स ऑफ TQM क्या है? TQM का क्रिटिसिज्म है कि थोड़ा बुराई भी कर लेते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन पे काम करता है,
डॉक्यूमेंटेशन क्यों आया, ये सब मैंने आपको बताया ना, ये लिखना पड़ेगा ना, रिक्वायरमेंट्स, डूज एंड डोंट्स, ठीक है, वे ऑफ वर्किंग, ये सब बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन मांगता है, ठीक है, इसलिए। और बहुत बार ऐसे चीज़ पे काम करने पे पीछे पड़ जाता है जो चीज़ उतना महत्वपूर्ण नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ पे आप काम कर रहे हो कि क्वालिटी बढ़े, क्वालिटी बढ़े, समझ में आ रहा है। तो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे मेरे लिए हो जाता है आउट ऑफ सो मेनी एस्पेक्ट्स, जैसे मेरे लिए हो जाता है कि मैं क्लास में क्या बोलूँगा, वो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब मैट में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया तो मेरा एक थ्रेशोल्ड है, चलो चल जाएगा, करेक्शन करा देंगे, यार क्या है, भगवान थोड़ी है, ठीक है। ऑर्डर्स दो बार चले गए, कोई नहीं है, 100-200 रुपया मेरा लग गया, चल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ICAI से मैट ऑर्डर किए थे, ठीक है, इंस्टीट्यूट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट से, आप लोग जैसे मैट ऑर्डर करते हो तो हम लोग भी एक सेट ऑर्डर करके एक लाइब्रेरी जैसा रखना चाहते हैं कि कभी रेफरेंस के लिए ज़रूरत पड़े। तो ऑर्डर एक किया, दो सेट आया, और कोई वहाँ से खोज खबर भी नहीं ले रहा है। एक सेट ऑर्डर किया, दो सेट बुक्स आ गया, कोई खोज खबर भी नहीं ले रहा, हम लोग भी बोलने नहीं गए। तो प्रॉब्लम्स तो है सब जगह, पॉइंट इज क्या चीज़ मेरे लिए अभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम उस पर काम करते हैं। तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि मैं आपको कोई पढ़ाते पढ़ाते कोई ऊटपटांग चीज़ ना बोल जाऊँ, मुझे उस पर ज़्यादा समय देना होता है, और वो इतना समय ले लेता है कि बाकी चीज़ के लिए समय कम हो जाता है। तो बाकी चीज़ पे हम धीरे धीरे कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, हालांकि SGC काफ़ी हद तक इम्प्रूव्ड है एज़ कम्पेयर्ड टू इट्स कॉम्पिटिटर्स, बट हम धीरे धीरे और भी उस पर काम करते रहते हैं। चलो अब ये चीज़ और गड़बड़ ना हो, ठीक है। इम्फेसिस ऑन क्वालिटी अश्योरेंस रैदर देन इम्प्रूवमेंट, बहुत बार क्वालिटी में जो डिफाइन किया हुआ रहता है सिर्फ उस पर ही बहुत बार ध्यान दिया गया। पुराना ज़माना में क्या था कि जैसे ये मान लीजिए डिफेक्ट्स लेवल है यहाँ पर, ठीक है, तो हम लोगों ने एक टॉलरेबल डिफेक्ट बना दिया कि ये इतना ही हो सकता है, ये टॉलरेबल है। अब विथ टाइम क्या हो रहा है, अलग अलग लेवल का डिफेक्ट्स आ रहा है, कभी यहाँ पे 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 आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी वापस यहाँ आ रहा है। विथ टाइम एवरी डे क्या हो रहा है ना, डिफेक्ट्स लेवल इक्वल नहीं रह रहे, बढ़ रहे, घट रहे, वर्कर लोग अलग अलग तरह से काम कर रहा है, सुन नहीं रहे, ट्रेनिंग चल रहा है, अभी पीरियड स्टेबलाइज नहीं हुआ है, कभी यहाँ पे चला जा रहा है, कभी यहाँ चला जा रहा है। तो हम लोगों का पहला अप्रोच बोलता है क्वालिटी मैनेजमेंट में, भाई साहब पहले इन लोगों को ये सिखाओ कि ये फ्लक्चुएशंस कम हो जाए। तो फ्लक्चुएशन कम होगा तो पहले हमारा डिफेक्ट्स स्टेबलाइज होगा। ये फ्लक्चुएशंस क्यों हो रहा है, ये ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे क्यों आ रहा है, ये बराबर क्यों नहीं रह रहा है, ठीक है। अगर ये डिफेक्ट मान लीजिए 20% है तो 20% पे क्यों नहीं टिक रहा है, ये कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसको बोलते हैं क्वालिटी अश्योरेंस, ठीक है। तो इनिशियल डेज में TQM पे फोकस अश्योरेंस पे ही था रादर देन इम्प्रूवमेंट, तो वो एक क्रिटिसिज्म बन गया था उसका कि यार ये लोग तो टॉलरेबल लेवल को जब आप नीचे कर लेगे ना, 20% से 10% पे ले आओगे, इसको जब 10% पे लाओगे तो ये हो गया आपका इम्प्रूवमेंट, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये हो गया टॉलरेबल लेवल को ही जब कम कर देंगे तो इम्प्रूवमेंट हो गया, बट जब आप सोच रहे कि मेरा एक्चुअल टॉलरेबल तक मैच करे तो एश्योरेंस हो गया। नेक्स्ट, इंटरनल फोकस रहता है बहुत बार, कर बहुत बार ये भी देखा गया कि टू मच इम्फेसिस ऑन व्हाट वी आर डूइंग इज रॉन्ग, उसके ऊपर दिमाग चला गया, ये नहीं सोचे कि बहुत बार ऐसा भी कोई चीज़ कर रहे होते हैं जिससे कस्टमर को चल रहा होता है, कस्टमर को फ़ायदा हो रहा होता है, तो वो चीज़ बहुत बार क्वालिटी मैनेजमेंट में स्किप हो जाता है कि 100% कस्टमर ओरिएंटेशन नहीं रह पाता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बाहर जाकर तो क्वालिटी नहीं सोच रहे ना, अंदर में ही चेंजेस लाने का सोच रहे। तो इंटरनल फोकस समटाइम्स ऐसा ऐसा चीज़ पर आप ध्यान देने लगते हो जो कस्टमर के लिए जरूरी नहीं है, बट फिर भी आप किए जा रहे हो।
और बहुत बार ये देखा गया है कि क्वालिटी मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है वो सर्विस इंडस्ट्री में एज इट इज़ लागू नहीं होता, तो उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट बना TQS, टोटल क्वालिटी सर्विस, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की जगह TQS. TQS हम लोग के सिलेबस में नहीं है, बट बहुत बार TQM का जो प्रिंसिपल्स अभी आप पढ़ोगे मेरे साथ, वो एज इट इज़ जो पढ़ने वाले हम लोग, एज इट इज़ सर्विस इंडस्ट्री में लागू नहीं होता है. अब ये सब जो मैंने आपको बताया, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा. यू कैन नॉट डिविएट. TQM में अवेयरनेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, टू बेसिक प्रिंसिपल्स याद रखना पड़ेगा, गेटिंग राइट फर्स्ट टाइम और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट. बिफोर इम्प्लीमेंटेशन करंट रियलिटी चेक करो, स्टेबल है कि नहीं, एडमिन सिस्टम है कि नहीं, मैनेजरियल स्किल्स है कि नहीं, ठीक है, एम्प्लॉई मोरल कैसा है. क्रिटिसिज्म ये है कि बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन, फिर इंटरनल फोकस, फिर क्वालिटी अश्योरेंस पे ध्यान ज़्यादा है, इम्प्रूवमेंट पे कम है. इम्प्रूवमेंट वैसे ओवर द टाइम होता है, तो लोग इसीलिए क्रिटिसाइज़ करने लगे, आप बहुत ज़्यादा चाप दे रहे हैं कि वही वाला लाना है, जो बोला है वही लाना है. और होता है ना, जैसे हमने एक प्रोसेस बनाया, तो हम लोग कई बार होता है कि इसमें क्वालिटी में एक और बात आता है, जोसेफ ज्यूरन का कहना है कि हमारे SJC में एक बार हुआ कि हम लोग जब आप लोग का ऑर्डर आता था तो प्रोसेस करते थे, तो हम लोग यहाँ पे एक ऑर्डर प्रोसेसिंग स्लिप बोल के एक डॉक्यूमेंट बनता था, ठीक है, जिससे कि हम लोग मिस्टेक्स ना हो उसको ट्रैक कर पाते थे, कि रिपीटेशंस ना हो जाए कोई भी चीज़ का, और बाद में स्टूडेंट भी अगर हम लोग को कोई चीज़ पूछे तो हम ऑर्डर प्रोसेसिंग स्लिप से ट्रैक करके उसको बता पाए कि उसके ऑर्डर में हमने क्या क्या डाला था. तो उस चीज़ का जो हम प्रोसेस बनाए थे, वो प्रोसेस हमारा डॉक्यूमेंटेशन था कि इसको ऐसे यूज़ करना है, जो ऑर्डर प्रोसेस करता था उसको करना ही पड़ेगा. और हुआ क्या कि लास्ट ईयर लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में जब पूरा बंदी रह गया था उसके कारण, फिर जब धीरे धीरे चीज़ें खुली तो स्टूडेंट्स का फ़ोन आने लगा, सर हम लोग का बुक्स कब आएगा, कैसे आएगा. तो वो जो प्रोसेस था ना ऑर्डर प्रोसेसिंग स्लिप का, वो प्रोसेस हम लोगों को ये वाला क्रिटिसिज्म लगने लगा. हमारे स्टाफ उसके पहले ही, वो प्रोसेस के पहले ही मेरे पास आ चुके थे, कि जब वो प्रोसेस बन गया कुछ दिन हो चुका था, कि सर ये जो बना है इसका नीड क्या है, समझ ही नहीं आ रहा है, व्हाई वी आर डूइंग दिस. बोले भाई नीड ये है कि तुम लोग मिस्टेक बहुत करता है, मुझे कभी ट्रैक करना हो तो इजीली मिल जाएगा. बोले सर अब तो मिस्टेक होता नहीं है. बोले नहीं नहीं अभी हम रिस्क नहीं लेगा, तुमको फॉलो करना ही है. हम रिजिडली हम उसको बोला नहीं, तुमको फॉलो करना ही है, तुमको फॉलो करना ही. अब यही समय अगर वो शायद इसको फॉलो नहीं करके स्टूडेंट को फ़ोन पे सही तरीके से गाइड कर दे कि उसको क्लास चलाना आ गया कि नहीं, वो कस्टमर ओरिएंटेशन होता. बट नहीं, हम लोग का फोकस इंटरनल प्रोसेस पे रिजिडिटी था, नहीं ये करना ही करना ही करना ही करना ही. तो जब हमारा लॉकडाउन के बाद सिचुएशन नॉर्मल हुआ ना, तो क्या हुआ कि सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद हम देखे कि कितना ऑर्डर्स पेंडिंग है, 450 ऑर्डर्स पेंडिंग है, 450 ऑर्डर्स पेंडिंग है, तो उसको कब तक तुम लोग डिस्पैच करोगे. तो मैं देखा अपने केबिन में बैठ के कि आज कुछ तो ये लोग निकालेगा, कल कुछ निकालेगा, ऐसा ऐसा सोच रहा था. मैं देखा कि 3 दिन हो गए अभी तक एक भी ऑर्डर नहीं गया. मतलब ये क्या हुआ, 3 दिन में एक भी क्यों नहीं गया. बोले सर वो ऑर्डर प्रोसेसिंग स्लिप निकाल रहे थे, उसको फिलअप करने में टाइम लगता है. यार इसको अभी क्यों निकाल रहे थे. बोले कि सर वो प्रोसेस आपने बनाया है तो उसको फॉलो कर रहे हैं. मतलब भाई मेरे, वो प्रोसेस जब बनाया था तब इतना आदमी उसको मिलके ऑर्डर प्रोसेस करता था, अभी तो तू अकेला एक ही आदमी उस समय काम कर रहा, तो अकेला कर रहा है तो तेरे से क्या मिस्टेक होगा. तो सर हम तो आपको पहले ही बोला था कि इसको करने का ज़रूरत क्या, आप बोल रहे थे नहीं प्रोसेस है तो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे थे. ये क्रिटिसिज्म से TQM का, कि ओवर इम्फेसिस हो जाता है कोई चीज़ में. ये चीज़ कस्टमर को अब ध्यान देने में, स्टूडेंट का ध्यान देने में समय लगाया होता तो ज़्यादा फ़ायदा होता. तो फिर हमने बोला नहीं भैया रहन दे इसको, ऑर्डर प्रोसेसिंग स्लिप बंद कर दे तो फटाफट कर. और जैसे ही उसको वो प्रोसेस को स्टॉप कराया, अगला दिन ही 90 ऑर्डर्स डिस्पैच हुआ, उसके अगला दिन फिर 60 ऑर्डर्स डिस्पैच हुआ. तो ये कैसे हो पाया, जस्ट बाई चेंजिंग द अप्रोच टू मैनेज द क्वालिटी. ये क्रिटिसिज्म्स है कि यहाँ पर बहुत बार इंटरनल फोकस ऐसा ऐसा हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन इतना हो जाता है कि कहीं ना कहीं हम लोग अटक जाते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन पे, रादर देन कि हम पूछते नहीं कि वाई एक्चुअली वी आर डूइंग दिस. तो इसीलिए जोसेफ ज्यूरन का जो रिसर्च फाइंडिंग्स है, उनका कहना है
कि ही ऑलवेज यूज टू इम्फेसाइज ऑन, बोलते हैं ना, वाई यू आर डूइंग द करेंट वे, आप अभी करेंट वे से क्यों कर रहे हो, वो हमेशा इस चीज को पूछते हैं, ठीक है। व्हाट इज द नीड, उसके बोलते हैं ना बैक टू बेसिक्स, वो हमेशा बैक टू बेसिक्स चले जाते थे जोसेफ ज्यूरन, और क्वेश्चंस करते थे, और उनके इंस्ट्रक्शंस अगर हम क्वालिटी मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करें तो वो बोलते हैं हर एम्प्लॉय को अधिकार दिया जाए कि वो जो काम कर रहा है उसमें समय कैसे बचे, इम्प्रूवमेंट कैसे आए, क्वालिटी बेटर कैसे हो, वो सजेशन सोच, वो आइडियाज़ सोच पाए, और एम्पावर करो उसको, और वो आइडियाज़ आप तक लेके आए, और तो आप कान खोल के सुनो, एक्टिव लिसनर बनो और उस पर काम करने का उसको इजाज़त दो, उसको इवेल्युएट करो और उसको इनक्रेज करो कि वो करे। ये जोसेफ ज्यूरन का फिलोसॉफी था। जोसेफ ज्यूरन यूज टू फोकस ऑन बैक टू बेसिक्स, ठीक है, ये जोसेफ ज्यूरन का फिलोसॉफी था। जोसेफ ज्यूरन फिलोसॉफी में इट इज ऑल बैक टू बेसिक्स, वाई वाई यू डू द वे यू डू, ठीक है। ही ऑलवेज यूज टू एम्फेसाइज ऑन एम्प्लॉइज टू सजेस्ट आइडियाज ऑन इम्प्रूवमेंट, और ये जैपनीज थ्योरी भी था। जैपनीज का जब अपने पूरा अपना चैप्टर आएगा जैपनीज थ्योरी के ऊपर पूरा, उस पर पढ़ेंगे। और टॉप मैनेजमेंट शुड एक्टिवली लिसन टू एक्टिवली सपोर्ट, वो एम्प्लॉय को सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर ख़त्म हो जाएगा। जोसेफ ज्यूरन्स क्वालिटी का मतलब ये है, ठीक है, बैक टू बेसिक्स, कम बैक टू बेसिक्स, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, ऐसे इम्प्रूवमेंट होगा, ओके। चलो, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा जोसेफ ज्यूरन का क्वालिटी इम्प्रूवमेंट खुद का पॉइंट्स बताओ, क्वेश्चन आएगा आपका क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, क्वेश्चन आएगा क्रिटिसिज्म्स ऑफ TQM बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TQM क्या है क्वेश्चन। मैं तो ये समझता हूँ कि मैंने जो आपको पढ़ाया वो और डेप्थ में पढ़ाया, क्वेश्चन ऊपरी स्तर से आएगा, उसी का ऊपर से आएगा, ठीक है। आई होप आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, और हम लोग एक छोटा सा अभी ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का, फिर आगे बढ़ते हैं।
ओके, लेट्स कंटिन्यू। पुनीत कह रहा है SCM इज सो इंटरेस्टिंग, ब्रेक भी मत लो सर। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है सर। अगर हो सके तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न फाइनल का बताइए, जब समय आएगा, उचित समय आएगा तब बताएंगे। ऑफ कोर्स मेन गोल तो वही है, ज्ञान थोड़ी मेन गोल है। हाँ, सच में मेन गोल तो CA पास करना है, वो तो करेंगे ही। सो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है कि अगर आपके यहाँ पर कोई भी फेलियर नहीं होगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर आपके यहाँ क्वालिटी आ रहा है, जीरो डिफेक्ट आ रहा है, मतलब नो डिफेक्ट्स आ रहा है, राइट फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो कॉस्ट ऑफ बिजनेस बढ़ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ अचीविंग दैट स्टेट इज नॉट कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट, इट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट ओवर द करेंट कॉस्ट टू अचीव जीरो डिफेक्ट्स। दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। ठीक है, अगर शॉर्ट में बोले तो क्या है, कॉस्ट विथ नो फेलियर्स माइनस करेंट कॉस्ट, ये एकदम शॉर्ट में बताया हुआ है। ठीक है, कॉस्ट विथ नो फेलियर्स माइनस करेंट कॉस्ट। सो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है, फिर से, एक्स्ट्रा कॉस्ट ओवर द करेंट कॉस्ट टू अचीव जीरो डिफेक्ट्स। एक्स्ट्रा कॉस्ट ओवर द करेंट कॉस्ट टू अचीव जीरो डिफेक्ट्स। जीरो डिफेक्ट पर जाने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, और अभी हमारा कुछ कॉस्ट लग रहा है। मान लीजिए करेंट कॉस्ट है अगर 10 लाख रुपया, और अगर कॉस्ट विथ नो फेलियर्स होगा तो 8 लाख रुपये से खर्चा बढ़ जाएगा, तो आपका कॉस्ट ऑफ क्वालिटी आया 8 लाख। पढ़ो, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग सेलिंग एंड सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड द इक्विवेलेंट कॉस्ट इफ देर वेर नो फेलियर्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन और यूसेज बाय कस्टमर्स। अगर कोई फेलियर नहीं होगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा 18 लाख, और करेंट कॉस्ट अगर 10 लाख, तो आप बोल सकते हैं कि आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है 8 लाख। ठीक है, नॉर्मली देखा गया है, इन जनरल ये नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, इन जनरल ऐसा देखा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, इज़ कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मतलब नहीं बोलूँगा मैं ये बोलूँगा कॉस्ट ऑफ रीडूइंग थिंग्स। कोई आदमी गड़बड़ करता है तो वापस से सुधारने के लिए रीडू करना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ रीडूइंग थिंग्स कम्स टू 25-30% ऑफ सेल्स, और वहीं सर्विस इंडस्ट्री में तो और भी ज़्यादा है, 40-50% ऑफ सेल्स हो जाता है। करेंट स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आपका मान लीजिए इससे कम में होता है तो आप क्वालिटी पे काम कर रहे हो, बट ये जनरल रेशियो है, दिस इज़ द जनरल रेशियो इंडस्ट्री स्पेसिफिक। अब ये ज़रूरी नहीं है हर कंट्री में सेम होगा, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड से मैंने आपको बताया है कि ऐसा देखा गया है, रीडूइंग का कॉस्ट लगता है। तो रीडूइंग का कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। अगर आपके यहाँ पुअर क्वालिटी आएगा तो आपको कुछ कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ पुअर क्वालिटी आएगा तो आपको कुछ कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, और वो कॉस्ट होता है
कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, इसको कॉस्ट ऑफ फेलियर्स भी बुलाते हैं, कॉस्ट ऑफ फेलियर्स। फेलियर होगा तो कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, तो वो कॉस्ट इन जनरल देखा गया इतना परसेंट होता है सेल्स का। तो क्वालिटी इम्प्रूव करना का मतलब होता है, या क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप और कौन सा कॉस्ट इनकर करो जिससे ये कॉस्ट घट जाए, समझ में आ रहा है, और कौन सा कॉस्ट इनकर करो जिससे ये कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी घट जाए। तो एक तरह से इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप हुआ ना, ये जो नया कॉस्ट में इनकर करने की बात कर रहा हूँ जिससे ये कॉस्ट घट जाए, तो इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप हुआ। तो और कौन सा कॉस्ट इनकर करो, इसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। और कौन सा कॉस्ट इनकर करो जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी को इनकर करोगे तो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी घट जाना चाहिए। कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ फेलियर, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस। तो कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस यदि आप इनकर करोगे, कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस यदि आप इनकर करोगे तो कॉस्ट ऑफ फेलियर घटना चाहिए। तो और क्या कॉस्ट इनकर करें जिससे कॉस्ट ऑफ फेलियर कम हो जाए और नेट में हमारा सेविंग्स आ जाना चाहिए, नेट में सेट ऑफ हो जाए, ट्रेड ऑफ हो जाए, नेट में सेट ऑफ हो जाए, ट्रेड ऑफ हो जाए, समझ में आ रहा है। सो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को लेकर हम फर्दर अगर क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो मेन हेडिंग आता है, एक कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस, दूसरा आता है कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। कन्फॉर्मेंस का दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, और नॉन कन्फॉर्मेंस का काम है नाम है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। तो पुअर क्वालिटी मतलब क्या हो रहा है कि फेलियर्स, फेलियर्स का कॉस्ट है ये। मतलब आपके यहाँ प्रोडक्ट बनता है, गड़बड़ आता है, तो उस गड़बड़ को सुधारो या उस गड़बड़ को डिस्पोज करो, उस गड़बड़ को सहो, उस गड़बड़ी को सहने का, सुधारने का कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ फेलियर्स या कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी या कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस बुला रहे हैं। जो मेजर चंक होता है कॉस्ट का रियल वर्ल्ड में, वो यहीं पे लगता है, मेजर कॉस्ट, ये बड़ा कॉस्ट होता है मेजर। तो सारा जो पढ़ाई है TQM का, वो ये कॉस्ट को कम करने के लिए है। अब इस कॉस्ट को कम करने के लिए ये कॉस्ट इनकर करना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस या कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, ठीक है। इसको इनकर करेंगे, ये जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये वैसे वैसे घटेगा, ठीक है। ये जैसे जैसे बढ़ेगा ये वैसे वैसे घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस घटेगा, कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस घटेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा ये वैसे वैसे घटेगा, समझ में आ रहा है। तो आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, मतलब समझ रहे हैं आप, ट्रेड ऑफ मतलब ये आएगा तो वो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो बैलेंसिंग होता है, इसलिए बैलेंसिंग इफेक्ट से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो अपने बोलते हैं क्वालिटी फ्री हो जाता है। मतलब आप खर्चा जो करते हो ना क्वालिटी के पीछे, वो यहाँ पे खर्चा करते हो कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी पे, जो बहुत अच्छा खासा खर्चा होता है, जिसको लेके लोग पीछे हट जाते हैं कि नहीं क्वालिटी बहुत महंगा पड़ेगा, इतना कौन दिमाग लगाएगा, ठीक है। तो ये खर्चा करने से देखा गया है कि जो आपका करेंट कॉस्ट था, ये मान लीजिए करेंट कॉस्ट है, करेंट कॉस्ट आपका लगता है फेलियर का, तो वो बहुत कम होने लग जाता है। तो इस खर्चा से आपका इन्वेस्टमेंट से करेंट कॉस्ट यदि कम होता है, ठीक है, फ्यूचर कॉस्ट अगर आप इसमें इनकर करके वो कॉस्ट को कम कर लेते हो तो बैलेंसिंग हो गया ना। मान लीजिए यहाँ पे 50 लाख लग रहा है और यहाँ पे फ्यूचर कॉस्ट अगर हम 20 लाख इनकर किया, तो मेरा यहाँ पे ये कॉस्ट समझिए 25 लाख हो गया। जैसे ही 20 लाख इनकर किया, ये 25 लाख बना दिया, तो मेरे यहाँ पे सेविंग्स आ गया ना, कितना का सेविंग्स आ गया, ये सेविंग्स हो गया 25 लाख का, और लगा कितना, 20 लाख। अब लोगों का नज़र क्या जाता है ना, ये 20 लाख पे जाता है, अरे मेरा 20 लाख लगेगा, मेरा 20 लाख लगेगा। बट उस 20 लाख से 25 लाख का सेविंग्स भी तो हो रहा है, करेंट कॉस्ट भी तो कम हो गया क्वालिटी का, फेलियर कॉस्ट, करेंट फेलियर कॉस्ट बोल सकते हो आप इसको, वो कम हो गया आपका।
तो आप ट्रेड ऑफ कर रहे हो ना, 20 लगाकर 25 बचा रहे हो, तो क्वालिटी तो फ्री का ही बढ़ गया आपका, क्वालिटी तो फ्री का बढ़ गया आपका, 20 लगा 25 बच गया, तो 5 तो नेट सेविंग्स है, तो क्वालिटी इज़ फ्री, देर इज़ नो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। बट ये 20 का जो 25 सेविंग्स आता है ना, ये इमीडिएट नहीं आता, खर्चा अभी लगता है, बेनिफिट धीरे से आता है, इसमें एक टाइम गैप होता है। समझ में आ रहा है? बेनिफिट्स ऑफ इनकरिंग द कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी इज इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, बट इट इज विजिबल ओवर अ लॉन्ग टाइम। इमीडिएट नहीं आएगा, आएगा इमीडिएट नहीं आएगा। यही बिजनेस रिस्क होता है कि कोई भी चीज को करे तो खर्चा तो अभी बंद जाएगा, बेनिफिट्स धीरे धीरे आएगा, वो बेनिफिट्स लेने तक पेशेंस नहीं रखे, सस्टेन नहीं कर पाए अपने आप को, खत्म। सो क्रॉसबी एंड ज्यूरन का स्टडी से ये 4 कॉस्ट ऑफ क्वालिटी आता है, फिलिप क्रॉसबी एंड जोसेफ ज्यूरन, इन्होंने ही कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को 4 पार्ट में तोड़ा है, जिसमें से 2 ब्रॉड हेडिंग है, गुड क्वालिटी पुअर क्वालिटी। गुड क्वालिटी में 2 नाम है, प्रिवेंशन कॉस्ट और अप्रेजल कॉस्ट, और पुअर क्वालिटी में 2 नाम है, इंटरनल फेलियर एक्सटर्नल फेलियर। प्रिवेंशन कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जिसको इनकर करने से डिफेक्ट्स आने कम हो जाएंगे, डिफेक्ट्स पैदा होने कम हो जाएंगे, मतलब ये रूट पे काम करता है कि डिफेक्ट पैदा ही नहीं होने देगा। अप्रेजल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जिसमें हम हर प्रोसेस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक्स लगाते हैं, जिसको आप इंस्पेक्शन बोल सकते हो। अप्रेज करना मतलब चेक करना, अप्रेज करना मतलब इंस्पेक्ट करना, रिव्यू करना, इंस्पेक्ट करना। ये 2 अगर आप इनकर करना शुरू करते हो तो यू स्टार्ट सीइंग द बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन इन फेलियर कॉस्ट। फेलियर को 2 तरह से क्लासिफाई किया गया, एक है इंटरनल फेलियर, दूसरा एक्सटर्नल फेलियर। इंटरनल फेलियर मतलब प्रोडक्ट हैज फेल्ड बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स, फेल्ड बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है, मतलब आपका डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, डिलीवरी नहीं हुआ, बीच में ही पता चल गया आपको गड़बड़ बन गया, अब उसको आप रिवर्क करो, उसको आप डिस्पोज करो, वो कॉस्ट है। डिफेक्ट आ गया तो डिफेक्ट पे तो खर्चा लग गया ना। और एक्सटर्नल फेलियर मतलब फेल्ड आफ्टर डिलीवरी, मतलब फेल्ड एट कस्टमर्स प्रेमाइसिस, कस्टमर के यहाँ पे जाके वो फेल किया, मतलब हम लोग तो सही सही दिए थे, कस्टमर उसको यूज़ करना स्टार्ट किया, कुछ ही दिन में फेल हो गया, तो आपको फिर वारंटी वाला सिस्टम, फ्री रिप्लेसमेंट वाला सिस्टम को अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, रिपेयर करके दो, तो उसका कॉस्ट लगता है। एक्सटर्नली भी फेल करेगा तो उसका कॉस्ट लगेगा, तो आप उसको डिफाइन करते हो कि 1 साल तक हम ठीक करेंगे, 10 साल तक ठीक करेंगे, वो आप वारंटीज डिफाइन करते हो, बट उसका कॉस्ट है, ठीक है। जापान में यही सब चीज़ से वो लोग बचते हैं, वो बोलते हैं कि प्रोडक्ट का हम लोग कॉस्ट कम करेंगे, प्रोडक्ट का प्राइस भी कम रखेंगे, ठीक है। और कॉस्ट कम करने का तरीका उनका क्या था कि हम गड़बड़ करेंगे नहीं, पहली बार ही परफेक्ट बनाएंगे। अब कोई चीज़ को हम एक बार बनाएंगे फिर 4 बार उसको रीवर्क करेंगे तो कॉस्ट तो अपने आप बढ़ रहा है ना, तो प्राइस भी आपका ज़्यादा मांगने का मन करेगा। तो ये बोलते हैं हम एक बार में ही सही बना लेंगे तो हमारा कॉस्ट कम पड़ा, तो प्राइस भी कम चार्ज करेंगे। जापनीज गाड़ी है टोयोटा इनोवा, इनोवा गाड़ी जिनके पास है वो जानते हैं, बोलते हैं कि जो एक बार इनोवा ले लेता ना वो फिर इनोवा का ही समर्पित हो जाता है। मेरा एक सपना है, अभी मेरे पास तो अभी
नहीं है गाड़ी ये वाला, मेरा भी एक सपना है टोयोटा का इनोवा या फॉर्चुनर कभी लेंगे। इनोवा का थोड़ा और एडवांस वर्जन है फॉर्चुनर। इनोवा ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है ये इंटर सिटी ट्रैवल में, बहुत लोग उसको यूज़ करते हैं टैक्सी की तरह। और जो भी ड्राइवर्स इनोवा चलाते हैं बोलते हैं जो भी गाड़ी चलाए इनोवा जैसा कोई नहीं, मतलब एक गाड़ी बोलता है एक अरसा तक चलता है, एक अरसा माने हो गया 10 साल, ठीक है। और नॉर्मल गाड़ियां क्या होती है 2-3 लाख किलोमीटर कमर्शियली अगर चल जाती है तो बैठ जाती है, ख़त्म हो जाता है इंजन विंजन उसका, बहुत मेंटेनेंस मांगता है। इनोवा 10 लाख किलोमीटर चुपके से चलता है बिना चूचा किए, और 7-8 लाख किलोमीटर के बाद आप बेचोगे तो आधा से ज़्यादा तो सेल वैल्यू मिल जाएगा, मैं हाई रीसेल वैल्यू। तो इतने अब बढ़िया प्रोडक्ट और रीजनेबल प्राइस पे जब वो बना के दे रहे हैं ना, तो उन लोग का फोकस क्या है कि फेलियर कॉस्ट नहीं होना है, मतलब नो मेंटेनेंस, तो एक्सटर्नल फेलियर कम हो गया और इंटरनली गड़बड़ बनेगा नहीं, तो रीडू नहीं करना है तो इंटरनल कॉस्ट कम हो गया। लो कॉस्ट लो प्राइस बेस्ट क्वालिटी, समझ में आ रहा आपको, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को रोकते थे वो लोग। कैसे रोकते थे, उसके जो टेक्टिक्स थे उसमें प्रिवेंशन अप्रेजल कॉस्ट भी था और भी बहुत सारे टेक्टिक्स वो लोग लगाते थे जो हम लोग बाद में नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा तो उसमें पढ़ेंगे, लीन सिस्टम नाम का एक चैप्टर आएगा। बट फिलहाल आपको ये जानना है कि हम लोग इस दोनों को रोकने के लिए प्रिवेंशन और अप्रेजल करते हैं। आपसे एग्ज़ाम में बोलेगा कि जैसे आप लोग कॉस्ट शीट नहीं बनाते थे क्या, बहुत सारा लिस्ट ऑफ आइटम्स दिया होता था तो बोलता था बताओ फैक्ट्री ओवरहेड में कौन सा जाएगा, एडमिन ओवरहेड में कौन सा जाएगा, सेलिंग ओवरहेड में कौन सा जाएगा। वैसे ही हम लोग का कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट्स बनता है या कॉस्ट ऑफ क्वालिटी स्टेटमेंट बनता है जिसमें बहुत सारा आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस होता है और बोलता है क्लासीफाई करो कि वो किस में जाएगा, प्रिवेंशन में कि अप्रेजल में कि इंटरनल फेलियर में कि एक्सटर्नल फेलियर में। तो बेसिक आउटलाइन मैंने आपको क्या बताया, प्रिवेंशन कॉस्ट मतलब दैट प्रिवेंट्स डिफेक्ट, ऐसा कुछ खर्चा किया जिसने जिससे आपका डिफेक्ट प्रिवेंट होगा, ठीक है, दैट प्रिवेंट्स डिफेक्ट्स। और अप्रेजल कॉस्ट खाली हर चीज़ को चेक करने का, इंस्पेक्ट करने का कॉस्ट, इंस्पेक्शन का कॉस्ट, क्योंकि जितना चेक करते रहोगे उतना फेलियर कम होता है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड आइटम्स कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, कुछ इलस्ट्रेट करने के लिए आपको दिया हुआ, जैसे ट्रेनिंग, ट्रेनिंग करने से क्या होता है डिफेक्ट प्रिवेंट होता है, ट्रेनिंग करने से क्या होता है डिफेक्ट कम हो जाता है, ट्रेनिंग देने से डिफेक्ट प्रिवेंट होता है, लोग मिस्टेक्स कम करते हैं क्योंकि ट्रेनिंग मिल गया तो मिस्टेक्स पैदा ही नहीं होता। क्वालिटी सर्कल्स क्या कॉन्सेप्ट है, ये जैपनीज़ कॉन्सेप्ट, एक्चुअली जैपनीज़ लोग ट्रेनिंग आउटसाइड एजेंसी से नहीं कराते थे, वो क्वालिटी सर्कल बनाते थे। क्वालिटी सर्कल में क्या होता है कि वो अपने वर्करों को बोलते थे एक सर्कल में बैठो, एक सर्कल में बैठो और अलग अलग फंक्शनल एरियाज से यानी अलग अलग डिवीजन डिपार्टमेंट से वर्कर को बुलाते थे और बोलते थे अब आप लोग अपना प्रॉब्लम को डिस्कस करो विद इन द सर्कल। सर्कल में बैठने का फ़ायदा क्या, सब एक दूसरे को देख पाते हैं, सर्कल में बैठने का फ़ायदा क्या, सब एक दूसरे को देख पाते हैं ईजिली, इंट्रैक्शन अच्छा होता है और अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करो और इम्प्रूवमेंट के आइडियाज़ एक दूसरे से लो और जो आइडियाज़ अच्छा लगे उसको इम्प्लीमेंट करो। और डिफरेंट फंक्शनल एरिया से इसलिए बुलाते थे कि कई बार होता ना कि HR का प्रॉब्लम आपका परचेज डिपार्टमेंट का कोई आदमी सोच के बता दिया, होता है ना परचेज का प्रॉब्लम कोई सेल्स वाला बता दिया, तो डिफरेंट एरिया से बुलाने से ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छा होता है। तो क्वालिटी सर्कल में भी एक तरह से डिस्कशन होता है ओवर क्वालिटी कि हाउ टू ब्रिंग द इम्प्रूवमेंट, हाउ टू एलिमिनेट द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स। उसी तरह से मशीन का रिप्लेसमेंट करना भी प्रिवेंशन है, उस तरह से जैसे अपने मशीन खरीद के लाते हैं, ठीक है, कोई भी लोहा का सामान खरीद के लाते हैं तो उसको रस्ट से बचाने के लिए हम लोग पहले से उस पर ऑयल पेंट कर देते हैं, ऐसा आपने देखा होगा सुना होगा कि रस्ट से बचाने के लिए हम लोग पहले से उस पर ऑयल पेंट कर देते हैं, ऐसा कभी आपने सुना होगा। तो ऑयल पेंट करने से क्या होता है कि रस्ट आएगा ही नहीं, प्रिवेंट हो जाएगा, प्रिवेंशन कॉस्ट उसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए सप्लायर का स्क्रीनिंग कर रहे हो,
सप्लायर का स्क्रीनिंग, सप्लायर सही तरीके का चुन के अपने यहाँ पे कंफर्म कर रहे हो कि अब उससे काम करेंगे। सप्लायर स्क्रीनिंग इज प्रिवेंशन, सही सप्लायर को सिलेक्ट किया तो गड़बड़ कम आएगा, तो हम लोगों का इंस्पेक्शन का भी जरूरत कम पड़ेगा। प्रिवेंशन कॉस्ट ऐसा कॉस्ट होता है जो अप्रेजल को भी कम कर देता है। अगर हम ऐसा सप्लायर से टाई अप करें कि भाई आपको कोई भी प्रोडक्ट गड़बड़ नहीं आना चाहिए, इंस्पेक्शन आप करके दो, हम नहीं करेंगे, आपको उसके लिए हमसे ज़्यादा रेट लेना है आप ले लो, बट परफेक्ट चीज़ देना, तो जो ऐसा कर सकता है उसी सप्लायर से काम करो। तो प्रिवेंशन करने से बहुत बार अप्रेजल कॉस्ट भी कम हो जाता है। इंटरनल फेलियर एक्सटर्नल फेलियर तो कम होता ही है, ठीक है। आपने अपने पूरा प्रोसेस को री इंजीनियर कर दिया। री इंजीनियरिंग मतलब होता है पूरा वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को पूरा बदल डाला। मान लीजिए पहले मैनुअल काम होता था, अब सब मशीन से काम होगा, तो देयर इज री इंजीनियरिंग, ठीक है। जैसे कारपेंटर है, आरी से पहले खैच खैच करके एक लकड़ी काटता था, ठीक है, सौ सुना होगा आपने, ऐसे डब्लू सौ से काटता था, अब वो एक मशीन आ गया, खैं कट गया, ठीक है, ड्रिल मशीन कटिंग मशीन आ गया है, स्पिन होता रहता है, इलेक्ट्रिक से चलता है, बस घें खचा खड़ा करके कट गया। तो ये क्या हुआ, ये आपका री इंजीनियरिंग हो गया, यू हैव चेंज द वे यू यूज टू वर्क। इससे प्रिवेंशन होता है, इससे डिफेक्ट्स कम लगता है, कॉस्ट बचता है। नेक्स्ट आ रहा है अप्रेजल कॉस्ट। अप्रेजल कॉस्ट मतलब इंस्पेक्शन कॉस्ट, कोई भी तरह का रॉ मटेरियल का इंस्पेक्शन, क्या क्या चीज़ का हो सकता है, रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का, मशीनरीज़ का। जैसे मशीनरीज़ में ना बहुत बार हम लोगों का आदमी जाके ना कैलिब्रेशन चेक करता है। कैलिब्रेशन चेक मतलब कि जैसे प्रिसीजन से वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब मशीन को जहाँ पे कटिंग करना है दाग करके दिया वहीं पे वो काट रहा है कि थोड़ा टेढ़ा भका हो रहा है। तो कैलिब्रेशन चेक्स, कोई भी तरह का चेक इंस्पेक्शन, वो आपका अप्रेजल कॉस्ट में चला जाएगा, ठीक है। क्वालिटी रिव्यू या ऑडिट करा रहे हैं आप, तो उसका कॉस्ट भी अप्रेजल कॉस्ट है। कोई रिव्यूअर को बुलाया आपने, कोई एजेंसी हायर किया जो आपके यहाँ क्वालिटी रिव्यू कर रहा है, ठीक है, तो वो रिव्यू या ऑडिट भी अप्रेजल कॉस्ट है। ऑडिटर भी एक तरह से अप्रेजल ही करता है। अप्रेज करना मतलब बस चेकिंग करना, सब देखना ठीक है कि नहीं, एज पर स्टैंडर्ड्स है कि नहीं है। इंटरनल फेलियर कॉस्ट क्या हुआ कि गड़बड़ आ गया, आपने यहाँ पे डिटेक्ट हो गया, तो अब वो गड़बड़ को रिवर्क करो या स्क्रैप करो, उसका कॉस्ट, रिवर्क कॉस्ट, स्क्रैप कॉस्ट इंटरनल फेलियर में आ गया, ठीक है। जैसे कोई ब्रेकडाउन हो गया तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करना पड़ रहा है, तो ब्रेकडाउन मतलब मशीन बैठ गया, अब रिपेयर करो उसका, कोई रिपेयरिंग कॉस्ट भी इंटरनल फेलियर कॉस्ट में आएगा। कोई तरह का रिपेयर कर रहे हैं, रिपेयरिंग ऑफ मशीन्स, ठीक है, रिपेयर ऑफ मशीन्स आपका इंटरनल फेलियर कॉस्ट है, ओके। नेक्स्ट आर एक्सटर्नल फेलियर, मतलब अब गुड्स डिलीवर हो चुका है, कस्टमर तक पहुंच चुका है, आप उसको और सेटिस्फाई करने के लिए एक्सटर्नली सपोर्ट करें, वारंटी के थ्रू, फ्री रिप्लेसमेंट के थ्रू। बहुत बार होता है कि वो डिफेक्ट दिखा रहा है मेरे को, अब डिलीवर हो चुका है, सोचो दूसरे कंट्री में है, अब बोल रहा है डिफेक्ट हो चुका है, इतना गड़बड़ा है, तो अब मैं वो वारंटी में कैसे उसका ठीक करूं, कैसे उसको फ्री रिप्लेस करूं। मैं बोला ठीक है जाओ प्राइस कम कर दो, डिस्काउंट दे दो, तो डिस्काउंट ऑन डिफेक्टिव सेल्स भी हम लोग दे देते हैं, डिस्काउंट ऑन डिफेक्टिव सेल्स, वो भी एक्सटर्नल फेलियर हो गया। उसके कारण कोई मान लीजिए रेवेन्यू लॉस्ट हो गया आपका, रेवेन्यू लॉस्ट ड्यू टू दिस, कोई भी तरह का ड्यू टू रॉन्ग सेल्स, या फिर सेल्स गलत कर दिया था अब, या डिफेक्टिव दे दिया था, तो उसके कारण पैसा ही नहीं दिया कोई उसका। अच्छा, फ्री रिप्लेसमेंट करते हो तो उसका भी तो रेवेन्यू लॉस हो रहा है ना एक तरह से, चीज़ तो बनाना ही पड़ रहा है नया और फिर देना पड़ रहा है, तो रेवेन्यू लॉस्ट ड्यू टू फ्री रिप्लेसमेंट, ड्यू टू रॉन्ग सेल्स, ड्यू टू कस्टमर रिटर्न्स। तो कस्टमर के पास जाने के बाद अगर हम लोगों का कुछ भी खर्चा या नुकसान हो रहा है, इवन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है, यानी कि जैसे कि कंट्रीब्यूशन लॉस्ट या रेवेन्यू लॉस्ट, तो वो भी आपका
एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में आएगा। सो क्या क्या है? प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, ये चार है। ठीक है, ये चार हेड है। अभी मैं आपके साथ एक एग्जांपल लिया हूँ। यहाँ पर आपको करना क्या है, आपके पास 5 मिनट का वक्त है और ये सारा 19 सिचुएशन है, उसको पढ़ के आप कैटेगराइज़ करो कि ये प्रिवेंशन है, कि ये अप्रेजल है, कि ये इंटरनल फेलियर है, कि एक्सटर्नल फेलियर है। पेंसिल से हो सके तो आंसर अपना लिखो, अगर बुक नहीं है हाथ में तो आप कॉपी में लिखो, पेज नंबर लिखकर। कोई फांकीबाजी नहीं चाहिए, अपना समझ से। थोड़ा बहुत इलस्ट्रेशंस ऊपर में दिया हुआ था, उसको रेफ़र भी कर सकते हो अगर कोई सेम मिल गया तो। आपको क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए एक बार फिर से, क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम्स अंडर appropriate category of quality cost। Normally ऐसे नहीं बोलते कि cost of good quality, cost of bad, poor quality में categorize करो। Popular head चार है, prevention, appraisal, internal failure, external failure। जैसे तीन तरह का overheads पड़े थे ना, admin overhead, selling overhead, production overhead, वैसे ही चार head है। तो आपको classify करना है कि ये चार head में किस में जाएगा। आंसर मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है, आप बस ये 19 सिचुएशन का अपना मन से आंसर्स लिखो। ठीक है, कुछ कुछ मैंने नया रखा हुआ छुपा के, देखते हैं आप उसमें सही सही सोच पा रहे कि नहीं। ये जो एग्जांपल है, ये फिर मेन क्वेश्चन में भी इस तरह का आपको वर्किंग करने बोला जाता है, तो उसमें भी हेल्प करेगा। जब मेन क्वेश्चन आएगा तो उसमें हर एक का अमाउंट भी दिया हुआ होगा, अभी अमाउंट नहीं दिया हुआ है। तो मेन क्वेश्चन बोलता है फिर हर कैटेगरी का टोटल कॉस्ट बताओ, हर कैटेगरी का टोटल कॉस्ट को चारों का टोटल से परसेंट बताओ, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, बताएंगे आपको। जैसे प्रिवेंशन का टोटल कॉस्ट क्या होगा, अप्रेजल का टोटल कॉस्ट क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। फिर ये भी पूछता है कि प्रिवेंशन का टोटल कॉस्ट का ओवरऑल कॉस्ट से कितना परसेंट है। जैसे ओवरऑल कॉस्ट 100% है तो प्रिवेंशन 20% है कि 30% है, वो निकालो। हो जाए तो खाली बोलना सर हो गया, आंसर मत बताना कि कचरा हो जाएगा इतना चैट पढ़ने से। चैटिंग में भी सच बताएं, हम लोग गूगल से पावर किए हुए चैट, गूगल का एक सर्विस है, उससे चैट सर्विस मिलता है। आप जो लाइव चैटिंग मेरे साथ कर रहे हो भी, वो गूगल से पावर्ड है। और गूगल बेटा एक एक चैट का चार्ज लेता है, तो अननेसेसरी चैट क्यों करें। अगर एक एक आदमी 19 आंसर टाइप करेगा तो चैट कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो इसलिए खाली एक आदमी एक ही लिखेगा, हो गया बस।
बागमी का हो गया, वंदना का हो गया, गुड। पुनीत का हो गया, प्रीति का हो गया, ऋत्विक हो गया, अनु बागड़ी का हो गया, ओके। रोहित मित्रा का हो गया, साव्या तो आंसर ही टाइप कर दी। मुस्कान हो गया, सिद्धि का हो गया, रुचिता का हो गया, रुचिता है करेक्ट प्रोनाउंस करोगे, रुसीता है। हर्ष का भी हो गया, प्रीति महेश्वरी हो गया। चलो अब मैं आंसर बता देता हूँ। रीवर्क होगा इंटरनल फेलियर, डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप इंटरनल फेलियर, वारंटी रिपेयर्स एक्सटर्नल फेलियर, रेवेन्यू लॉस एक्सटर्नल फेलियर, रिपेयर्स टू मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट इंटरनल फेलियर, डिस्काउंट ऑन डिफेक्टिव सेल, डिस्काउंट ऑन डिफेक्टिव सेल। देखो इसको दो तरह से इंटरप्रेट किया जाता है। एक, मैं डिफेक्टिव सेल्स फैक्ट्री में डिटेक्ट कर लिया था, फिर मैं सोचा उसको रिवर्क करूं या फिर उसको डिस्काउंट पे बेच दूं, तो मैंने जो डिस्काउंट दिया उस तरह का नुकसान हो गया। एक होता है कि कस्टमर को मैंने जो डिलीवर कर दिया था, फिर कस्टमर फ़ोन किया कि आपने जो भेजा वो तो डिफेक्ट है, तो मैं बोला चलो क्रेडिट आपका नाम का क्रेडिट नोट आपका इशू कर लेते हैं, मतलब डिस्काउंट दे देते हैं। तो यहाँ पे जब मैं लिख रहा हूँ डिस्काउंट ऑन डिफेक्टिव सेल्स, इसका मतलब है कि ये डिफेक्टिव सेल्स डिटेक्ट हुआ है, डिटेक्टेड आफ्टर सेल्स, ठीक है। तो अब आपका ये डिस्काउंट ऑन डिफेक्टिव सेल्स एक्सटर्नल फेलियर में जाएगा। मैं आपको उस समय यही एग्जांपल बोल रहा था ना, कस्टमर को हमने बेचा, कस्टमर बोला कि यार डिफेक्टिव भेज दिया आपने, तो अब कौन वापस मंगाए, तो चलो उसको डिस्काउंट दे दो, थोड़ा दाम कम कर दो। मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल क्या चीज़ पे निर्भर करता है, वो निर्भर करता है कि डिटेक्शन कब हुआ। इंटरनली अगर डिटेक्ट हो गया बिफोर डिलीवरी तो इंटरनल फेलियर है, और बाद में सेल होने के बाद कस्टमर फ़ोन करके बता रहा है तो हम डिस्काउंट दे रहे हैं, क्रेडिट नोट दे रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो एक्सटर्नल हो गया।
सो डिस्काउंट ऑन डिफेक्टिव सेल अगर कुछ नहीं बोला है तो हम लोग को अज्यूम करना चाहिए इंटरनल है, ये इंटरनल फेलियर। ठीक है, जो जो अलग लगेगा उसको मार्क करते जाएंगे। मतलब हम लोग अज्यूम करें कि डिफेक्टिव हम डिटेक्ट कर लिए थे और उसको रिवर्क करने के वजह डिस्काउंट पे बेच दिए। इसका मतलब क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ रिवर्किंग द डिटेक्टेड डिफेक्ट सोल्ड एट अ डिस्काउंट, तो उसमें जो नुकसान हो गया वो हम लोग डिस्काउंट ऑन डिफेक्टिव सेल मान रहे हैं। ठीक है, सो कुछ कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो सकती हैं, जैसा इंस्टीट्यूट उसको देखना चाहता है उसके हिसाब से होगी। तो ये चीज़ इंस्टीट्यूट इसी तरह से देखना जा रहा है कि डिस्काउंट ऑन डिफेक्टिव सेल्स का मतलब है कि डिफेक्ट हमारा पहले डिटेक्ट हो चुका है, हम उसको ठीक करने के वजह डिस्काउंट में बेच दिए। अब इंस्पेक्शन कुछ भी होता है तो वो अप्रेजल है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, क्वालिटी सर्कल प्रिवेंशन है, पैकेजिंग इंस्पेक्शन अप्रेजल है, क्वालिटी कंसल्टेंट कॉस्ट, ये कहाँ जाएगा? क्वालिटी कंसल्टेंट कॉस्ट आपने क्या लिखा है थोड़ा बताइए। अनु बागड़ी ने पूछा है सर, रिपेयर्स टू मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट इंटरनल फेलियर होगा कि प्रिवेंशन होगा? देखो, एक होता है रूटीन मेंटेनेंस, वो प्रिवेंशन है। रिपेयर होता है कब, जब खराब हो जाता है तब। तो खराब होने के बाद जब ठीक करते उसको रिपेयर बोलते हैं, वो इंटरनल फेलियर है। नहीं, इसलिए बोला था रिपेयर इंटरनल फेलियर है। ठीक है, रूटीन मेंटेनेंस प्रिवेंशन है। यहां पे सब लिख लो, रूटीन मेंटेनेंस इज प्रिवेंशन। रिपेयर होता है ब्रेकडाउन होने के बाद, ब्रेकडाउन होने के बाद। देखो, प्रिवेंशन का काम है ब्रेकडाउन ही नहीं होने देगा वो, तो रिपेयर से ब्रेकडाउन नहीं होगा ऐसा नहीं है। ब्रेकडाउन होने के बाद कुछ कर रहे हो तो वो इंटरनल फेलियर है। जी, क्वालिटी कंसल्टेंट में ना कंफ्यूजन आता है कि ये प्रिवेंशन होगा कि अप्रेजल होगा। तो कंसल्टेंट से यूजुअली हम लोग ज्ञान लेते हैं, चेक करवाते हैं। प्रिवेंशन नहीं होता है, अप्रेजल होता है। कंसल्टेंट इवेल्युएट करता है, बताता है कि आप ऐसे करो वैसे करो, रिव्यू करता है, ऑडिट करता है। तो वो अप्रेजल कॉस्ट में जाएगा, इसको प्रिवेंशन में नहीं डाल सकते। कंसल्टेंट से प्रिवेंशन नहीं होता है। प्रिवेंशन होता है कोई एडवांस मशीनरी लगा दिया, कंसल्टेंट के एडवाइस से प्रिवेंशन होगा। कंसल्टेंट का कॉस्ट अप्रेजल है। रीपर्चेज ऑफ कॉम्पोनेंट्स टू क्रिएट रिप्लेसमेंट, कुछ कॉम्पोनेंट्स को खरीदा रिप्लेस करने के लिए। रिप्लेसमेंट मतलब होता है वही फ्री रिप्लेसमेंट, वारंटी रिप्लेसमेंट। कंसल्टेंट के एडवाइस से प्रिवेंशन होता है, बट प्रिवेंशन करने के लिए जो स्टेप्स लेते हैं उसको प्रिवेंशन कॉस्ट बोलते हैं। खाली उसका बात से थोड़ी प्रिवेंशन हो जाएगा, वो बोलेगा ये वाला मशीनरी लाओ तो वो मशीनरी लाएंगे तो प्रिवेंशन होगा। तो कंसल्टेंट का कॉस्ट अप्रेजल है। रीपर्चेज ऑफ कंपोनेंट्स टू क्रिएट रिप्लेसमेंट, फ्री रिप्लेसमेंट का बात हो रहा है इसलिए एक्सटर्नल फेलियर।
कस्टमर सर्वे फॉर फीडबैक ऑन क्वालिटी एक्सटर्नल फेलियर, क्योंकि कस्टमर सर्वे तो गुड्स बेचने के बाद होता है। फिर एम्प्लॉय टाइम स्पेंट ऑन रिव्यूइंग एंड असेसिंग द क्वालिटी ऑफ आउटपुट, रिव्यू एंड असेस इसलिए अप्रेजल, टेस्टिंग ऑफ मटेरियल ऑफ स्पेशल नेचर फ्रॉम आउटसाइड लेबोरेटरी, टेस्टिंग हो रहा है कोई भी चीज़ का, चेकिंग हो रहा है तो अप्रेजल, चाहे आउटसाइड लेबोरेटरी से हो रहा हो चाहे इनसाइड हो रहा हो, आउटसाइड से एक्सटर्नल मत सोच लेना। री इंस्पेक्शन ऑफ प्रोडक्ट रीवर्क्ड, ये क्या होगा बताओ, प्रोडक्ट अब गड़बड़ आया था उसको रिवर्क किया, ठीक है, गड़बड़ आया तो उसको रिवर्क किया और उस रिवर्क चीज को री इंस्पेक्ट किया, मतलब ठीक से रिवर्क हुआ है कि नहीं वो देख रहा है, यानी ठीक से रिवर्क हुआ कि नहीं वो देख रहा है। इसको कहाँ डाल रहे हो बताओ तो, 16 नंबर को कहाँ डाल रहे हो, एक्सटर्नल तो है ये है ही नहीं, रीवर्क हो रहा है तो इंटरनल ही है। ये आपका इंटरनल फेलियर का पार्ट है। बहुत बच्चे इंस्पेक्शन से कंफ्यूज होके इसको अप्रेजल में डाल देते हैं, बट ये री इंस्पेक्शन है और प्रोडक्ट रीवर्क का री इंस्पेक्शन है, तो रीवर्क रिलेटेड इंस्पेक्शन आपका इंटरनल फेलियर का ही पार्ट बनेगा। तो रीवर्क में टाइम ज़्यादा लग रहा है, रीवर्क में री इंस्पेक्ट करना पड़ रहा है, तो इंटरनल फेलियर कॉस्ट, जड़ पे जाइए, कॉज पे जाइए। कैलिब्रेशन ऑफ टेस्टिंग इक्विपमेंट अप्रेजल, देखो आपका सारा बात नहीं स्वीकार कर सकते, आपका लॉजिक नहीं स्वीकार कर सकते, आपको हमारा लॉजिक स्वीकार करना पड़ेगा। अब मैं एक एक का लॉजिक को जस्टिफाई करूं कि मैं आपको जो असली लॉजिक है वो बताऊं। लगता है वो री इंस्पेक्शन देख के ना, लगता है कि ये री इंस्पेक्शन बोलने से अप्रेजल हुआ, बट क्या चीज़ का री इंस्पेक्शन हो रहा है? खाली इंस्पेक्शन वर्ड देखने से अप्रेजल मानना होता तो फिर मैं देता ही नहीं ना 16 नंबर आपको, मैं इसलिए दिया कि आप ये सब मिस्टेक करते हो। रीवर्क हुआ तो री इंस्पेक्शन हुआ ना, तो रीवर्क का कॉस्ट में उसको जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, कैलिब्रेशन ऑफ टेस्टिंग इक्विपमेंट, टेस्टिंग करने का जो इक्विपमेंट है वो क्या काम में आता है? टेस्टिंग इक्विपमेंट से आप अप्रेजल करते हो, वही जड़ क्या है, ये टेस्टिंग इक्विपमेंट है। टेस्टिंग इक्विपमेंट से करते क्या हुआ? टेस्टिंग इक्विपमेंट से सर हम अप्रेजल करते हैं और उस इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन चेक कर रहे, तो प्रिवेंशन नहीं हुआ। प्रिवेंशन कॉस्ट तब डालोगे जब कोई मेन मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट का रूटीन मेंटेनेंस कर रहे हो, रूटीन मेंटेनेंस तब प्रिवेंशन हुआ। अच्छा, मेन मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट का भी कैलिब्रेशन चेक कर रहे हो, कैलिब्रेशन माने क्या होता है, कि वो ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसका प्रिसीजन परफेक्ट है कि नहीं है। जैसे अपने मोबाइल फ़ोन होते हैं ना, उसका टच स्क्रीन का भी कैलिब्रेशन चेक होता है, अपना कंप्यूटर्स होता है उसका स्क्रीन का कैलिब्रेशन चेक होता है, तो वो ठीक से सही जगह पर प्रिसीजन से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कैलिब्रेशन इज बेसिकली अ चेक, कैलिब्रेशन इज जस्ट अ चेक, कैलिब्रेशन से चेकिंग ही होता है कि सब प्रिसीजन से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और टेस्टिंग इक्विपमेंट अप्रेजल है, टेस्ट करना मतलब अप्रेज करना, तो अप्रेज करने के लिए तो कुछ चीज चाहिए ना, साधन तो चाहिए, टूल्स तो चाहिए, तो अप्रेज करने का, जैसे पैकेजिंग इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन करने के लिए टूल्स लगते होंगे, ठीक है, तो वो टूल्स का रिपेयरिंग कॉस्ट,
वो टूल्स का कैलिब्रेशन कॉस्ट अप्रेजल में ही घुसेगा। अब बोल दिया रिपेयर्स ऑफ टेस्टिंग इक्विपमेंट, जैसे अपने मॉल वॉल में जाते हैं तो वो एक यंत्र से चेक करता है ना अपने बॉम्ब लेकर आए कि नहीं, है ना, तो वो यंत्र अप्रेजल कॉस्ट में जाएगा, वो आदमी का कॉस्ट, वो यंत्र का कॉस्ट, वो यंत्र खराब हो गया, वो टूल खराब हो गया, वो ऐसा चेकिंग करने के काम में रखता है ना वो मेटल डिटेक्टर, तो ये अगर खराब हो जाएगा तो इसका कॉस्ट क्या प्रिवेंशन में डाल दोगे? इसका मेंटेनेंस हो रहा है तो वो प्रिवेंशन में चला जाएगा क्या? इसका खराब हो गया तो इंटरनल फेलियर में चला जाएगा क्या? नहीं, समझना कैसे कैटेगराइजेशन हो रहा है। ये खराब हो गया तो इससे रिलेटेड जो कॉस्ट है वो अप्रेजल में ही जाएगा, अप्रेजल का जो रूट है वो अप्रेजल में ही रहेगा। री इंस्पेक्शन से, रीवर्क का री इंस्पेक्शन हो रहा है तो इंस्पेक्शन होने से क्या अप्रेजल हो जाएगा? नहीं, रीवर्क का हो रहा है ना, तो रीवर्क का कॉस्ट जड़ ही इंटरनल फेलियर में, तो उसका जुड़ा हुआ जो ऊपर का कॉस्ट है वो भी इंटरनल फेलियर में। वैसे ही टेस्टिंग इक्विपमेंट अप्रेजल का पार्ट है, तो उसका कुछ भी रिपेयरिंग कैलिब्रेशन हो रहा है तो वो भी आपका अप्रेजल का पार्ट है। ऋतिक पूछ रहे हैं कि सर कस्टमर सर्वे प्रिवेंशन क्यों नहीं हो सकता? देखो, कस्टमर सर्वे करने से प्रिवेंशन हो जाएगा क्या? सर्वे करने के लिए खर्चा लगता है, फॉर्म बनाना पड़ेगा, कस्टमर को भेजना पड़ेगा, वो फॉर्म में जो डेटा आएगा उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, उसका जो कॉस्ट लग रहा है उससे प्रिवेंशन हो जाएगा? सर्वे से कुछ आउटकम्स आएगा, उस आउटकम के ऊपर हम जब एक्शन लेंगे तो हम बोले ना कोई नया एडवांस मशीनरी लाएंगे, या फिर हम रूटीन मेंटेनेंस चालू करेंगे, या फिर हम वर्कर को ट्रेनिंग देंगे, तो वो जो कॉस्ट उसके कारण जनरेट होगा वो प्रिवेंशन हो सकता है जब हम एक्शन लेंगे। बट सर्वे करने का तो खर्चा है, वो प्रिवेंशन कैसे होगा? वारंटी क्लेम प्रोसेसिंग, वारंटी क्लेम यानी एक्सटर्नल फेलियर और लॉस ऑफ कस्टमर ड्यू टू सप्लाई ऑफ लो क्वालिटी प्रोडक्ट। सप्लाई कर दिया, सप्लाई करने के बाद कस्टमर बोला हाथ जोड़ते हैं आपसे, हाथ जोड़ू था रे सर, हाथ जोड़ा होगो, इसलिए डिलीवरी करने के बाद कुछ भी कारनामा हो तो एक्सटर्नल फेलियर। अरे सीखो बेटा, लोग सीखो, रूटीन मेंटेनेंस ऑफ टेस्टिंग इक्विपमेंट भी अप्रेजल कॉस्ट में जाएगा। यस, अप्रेजल कॉस्ट में जाएगा। मेन मशीन्स का अगर रूटीन मेंटेनेंस हो रहा है तो वो प्रिवेंशन है। ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स इन द इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स इन द इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग हो रहा है तो खाली वर्ड ट्रेनिंग देख के आप गुमराह मत हो जाना, ट्रेनिंग सर ने बताया था प्रिवेंशन, नहीं, इंस्पेक्शन करने का ट्रेनिंग दे रहे हैं भाई कि कैसे आदमी को जांचना है, कैसे वो यंत्र जगह जगह घुमाना है, तो ट्रेनिंग दे रहे, उसका खर्चा लग रहा है, समय लग रहा है, तो वो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा है, इसलिए वो अल्टीमेटली अप्रेजल का खर्चा है। अरे सीखो, थोड़ा जोर लगाओ। मेन डिस्काउंट ऑन डिफेक्टिव सेल्स अगर डिटेक्टेड आफ्टर सेल्स था तो एक्सटर्नल फेलियर होता है, नहीं तो डिफेक्टिव सेल्स बोलने से अपने हमेशा इंटरनल फेलियर ही अज्यूम करते हैं। ठीक है, क्लैरिटी आया होगा, इसीलिए ये अच्छा अच्छा खोज के लाया मैं, ये 19 तो खोज के लाया, जितना भी तरह का क्वेश्चन हो सकता है ये 19 से कवर हो जाता है, और फिर अब बाकी जो मिलेगा एग्जाम के लिए वो सब आसान आसान मिलेगा। ठीक है, तो भैया आज का समय पूरा हो गया है, सो वी हैव टू स्टॉप हियर टुडे, वी विल कंटिन्यू दिस, आज रुक जाते हैं। ये सबको अच्छे से लिख लीजिएगा नोट्स वोट्स पूरा, थोड़ा सा
जो भी इंट्रो भी है ना, एक बार वापस घुमा लीजिएगा तो क्या होता है, चीज़ें और अच्छी याद हो जाती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं ये बोलूँगा, अभी आज जैसे और मैं क्वेश्चंस में आज नहीं जा पाया आपके साथ, तो आप पुराना एक बार एक चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आंसर जो पॉइंट्स पावर नोट्स अपने बनाए उसको थोड़ा घुमाओ, जितना रिपीट मारोगे उतना मेमोरी में याद रहेगा। ठीक है, क्लास में समय कम होता है आप जानते हैं, तो मैं अगर घुमाऊंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि मैं रोज़ आके 10-15 मिनट पुराना कुछ पढ़ाऊं, मन करता है ऐसा और ये ज़रूरत भी है, बट नहीं करता हूं क्योंकि 15 मिनट लगता है, फिर मेरा ऐसे हर क्लास में 15 मिनट गया तो कोर्स फिर 10-15 क्लास और बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप प्लीज़ थोड़ा सा जैसे ही टाइम मिले उस टाइम को डेडिकेटेडली क्लास के बाद 1-1.5 घंटा रखिए एक दिन में, और कुछ पुराना घुमाइए, थोड़ा सा मेमोरी में डालिए। आज का भी जो इंट्रोडक्शन था, जो फ्लो था सर का डिस्कस करने का, सर ने जैसे क्वालिटी का बताया ऐसे उसको रिकॉल करो, फ्लॉलेस, ज़ीरो डिफेक्ट, हावड़ा ब्रिज का एग्जांपल दिया, जापानीज़ कैसे वो मिलिट्री का आदमी लोग को निकाल निकाल के बिजनेस में ले गया, एट कल्चर में चेंजेस लाया, डेमिंग अवार्ड, डेमिंग को बुला के रिस्पेक्ट देकर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन डेवलप करा के डेमिंग अवार्ड अनाउंस करके, महलानोबिस भी इंडिया में ट्राई किया बट उस समय इंडिया फोकस नहीं था, US में जब जापानीज़ का ट्रांजैक्शन होने लगा तो US वाले शॉक्ड हो गए कि ऐसा क्वालिटी कैसे ला रहे हैं, ट्रांजैक्शंस का बातचीत ही अलग तरीके का था, 10 दिन माने 10 दिन, 10,000 माने 10,000, कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। तो USA भी मेलकॉम बाल्ट्रिज नेशनल अवार्ड अनाउंस किया, ISO का स्थापना किया, तो क्रॉसबी ज्यूरन जैसे लोग आके समझाए कि क्वालिटी फ्री है, हर कोई सब कोई टोटल में लगेगा तब आपका क्वालिटी मैनेजमेंट आएगा। एवरीवन वर्कर टॉप मैनेजमेंट हर डिपार्टमेंट में जब हर एस्पेक्ट पे काम करेंगे, 4 एब्सोल्यूट्स ऐसे क्रॉसबी का मैंने थ्योरी से आपको बता दिया, मैं तो पढ़ते रहता हूँ ना बाहर का चीज़, बट इससे मेरे को ये अच्छा लगा कि क्वालिटी का डेफिनेशन आपको पता चल गया, क्वालिटी मेज़र किया जा सकता है ये आपको पता चल गया, ये 2 चीज़ इससे पता चलता है। और हाउ टू एक्चुअली अचीव, ये बहुत अच्छा चीज़ है कि ये आप इन जनरल कभी क्वालिटी मैनेजमेंट का ज्ञान किसी को भी पिला रहे हैं तो आप ये पॉइंट्स बता सकते हैं, या फिर कभी भी कोई क्वेश्चन में कॉमेंट लिखना पड़ रहा है क्वालिटी के पीछे तो ये सब बोल सकते हैं कि क्लियरली डिफाइन करना पड़ता है, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ता है, टूल्स देना पड़ता है, इनक्रेज करना पड़ता है। खाली ऐसा नहीं है कि बोलते टॉप मैनेजमेंट भौरे के तरह होता है जो फूल से फूल घूम घूम के सब सब सबको संभालते रहता है, खाली बोल देने से थोड़ी होता है, स्लोगन एग्जॉर्टेशन करने से थोड़ी होता है, बट हर जगह TPM का सिस्टम नहीं लगा लागू हो सकता, कुछ क्राइटेरियाज हैं। और जोसेफ ज्यूरन का तो सिस्टम है, बोलते बैक टू बेसिक्स, व्हाई द यू डू द वे यू डू, एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम दो, टॉप मैनेजमेंट एक्टिवली सपोर्ट करे तो क्वालिटी अचीव होगा। ठीक है, तो ये आज का हो गया एक बार ये इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद टोटल का मतलब बताया, क्वालिटी का मतलब बताया, मैनेजमेंट का मतलब बताया, फिर बिफोर क्रिटिसिज्म्स बताया, क्रिटिसिज्म याद होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी पे आज दम तोड़ दिया हम लोग, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, पुअर क्वालिटी, प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर। ठीक है, अब आपका काम है, ये रिवीजन मैंने करा दिया, थोड़ा बस रिकॉल कर लेना क्रिटिसिज्म्स याद हुआ कि नहीं हुआ और बाकी पॉइंट्स याद हुआ कि नहीं, बस आपका काम है घर का कि ट्रेडिशनल वर्सेस स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट जो आपको पढ़ाया हूँ उसका कोई भी 2-3 क्वेश्चन को फ्लिप करिए, देखिए पॉइंट्स याद है कि नहीं है, वो लास्ट एक परिधान और SFC SDC वाला था, फिर वो सब एजेंसी ऑफिस वाला था, सॉल्व वाला क्वेश्चन, ये 2 अच्छा क्वेश्चन था, तो इस 2 को अच्छे से रिवाइज करिए। IT स्ट्रेटेजी वाला क्वेश्चन का पॉइंट्स याद है कि नहीं, IT स्ट्रेटेजी वाला क्वेश्चन का पॉइंट्स याद है कि नहीं, ये पॉइंट्स याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी याद करेंगे तो ऐसा मत सोचना कि बाद में याद नहीं रहेगा, अभी भी याद रखेंगे तो 5 का 3 याद रहेगा, 2 भूल जाओगे बट 3 तो याद रहेगा। तो ऐसे घुमाते रहना पड़ेगा हम लोग को, जब जब समय मिला पुराना हम कुछ घुमाएंगे, जब जब समय मिला आज सर ने कुछ टास्क नहीं दिया पुराना घुमाएंगे, ये थ्योरी अप्लाई कर लीजिए, देखिए आपका पास होना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।